ओके सो एक बार फिर से एवरीवन गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग एकदम फिट हो, फाइन हो, परफेक्टली। चलो चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग बिना किसी डिले के। एक बार देख लूँ कि तुम लोग लाइव हो या नहीं, है ना। चलो ओके, चलो शुरू करें क्या आज? पूरी की पूरी हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है ना। चलो सो आई थिंक मैं लाइव आ चुका हूँ, वंडरफुल। और पूरी की पूरी हम लोगों को कंप्लीट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सिस्टमैटिक फॉर्म में। और चलो एक बार मैं मैसेज भी कर देता हूँ, ठीक है। चलो चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट नाउ, बहुत आसानी से, बहुत सिस्टमैटिक। एंड यस, जो बच्चे मुझे जानते हैं वंडरफुल, अदरवाइज माय नेम इज अनुराग तिवारी। जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं वंडरफुल, अदरवाइज ये यहाँ पर मेरा नाम भी है, माय नेम इज अनुराग तिवारी। आपको अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। लास्ट 7 ईयर से अराउंड 6-7 साल हो गए आप लोगों को पढ़ाते हुए। काफ़ी अच्छे बच्चे मिले, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, इंक्लूडिंग आस्था 682 मार्क्स, सुयश 662 मार्क्स। तो ये कुछ बेहतरीन बच्चे, इंक्लूडिंग 10 to 15 और भी बच्चे, तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स के फॉर्म में, जिसमें से इंक्लूडिंग 340, 335 बायोलॉजी के मार्क्स। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, वो हमारा जो एफर्ट होता है वो तो है ही है, वो तुम लोगों का भी एफर्ट बहुत मैटर कर जाता है एक काम के फॉर्म में। हाँ, जो बच्चे मेरे साथ सब्सक्रिप्शन पर जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में बहुत से ऑप्शंस हैं अच्छे वाले। लाइव क्लासेस मिल जाती हैं तुम लोगों को, साथ साथ में एक इंट्रैक्शन हो जाता है एजुकेटर के साथ में, एक लाइव पोलिंग और लीडर बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। एक अच्छी चीज़ तुमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मिल जाती है बच्चों, कि टेस्ट एनालिसिस और डाउट के फॉर्म में चीज़ें मिल जाती है तुमको ना। तो टेस्ट एनालिसिस और डाउट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो कि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं ना उनके लिए। तो एक लाइव पोलिंग के थ्रू आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा एवेल्युएट कर सकते हो। हाँ, जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए मैं स्पेशली बता दूँ कि उनको कुछ बेसिक फॉर्म में वो प्ले स्टोर पर जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, साथ साथ में ये नाम लिखेंगे ना और इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद उनको अपना टारगेट नीट यूजी सेलेक्ट करना है। अब नीट यूजी में वो सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो वो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस, जो ये प्लस का ऑप्शन है और आइकॉनिक का ऑप्शन है, यहाँ पर दो दो ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आपको ये भी समझना है बच्चों, बहुत सुकून से आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो जो बच्चे जो जानना चाहते हैं कि हाँ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये जो पूरा दिसंबर है ना, आप यूं समझ लो कि आधा दिसंबर तो है ही है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो मई में आपका पेपर है, तो ये 5-6 महीने हैं, यू कैन गो फॉर दिस 6 मंथ, क्योंकि ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। और कुछ नए बैचेस शुरू हुए हैं तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, है ना। तो 6 मंथ में हमारे पास 25,000 की फीस है, क्योंकि तुमको कोड यूज करना है एटी सर, दिस इज द कोड, राइट, ये कोड है हमारा। और साथ साथ में जो बच्चे 12 मंथ के हैं, जो जाना चाहें, इनफैक्ट तुम अगर 11th में हो तो तुमको जाना चाहिए 24 मंथ के लिए, इट इज 50,400, है ना, 50,400। तो बहुत सिंपल पॉकेट फ्रेंडली फॉर्म में है, तुम इसको पर मंथ भी दे सकते हो, यू कैन लाइक ऑप्ट फॉर पर मंथ एज वेल, बहुत सुकून से इसको मंथली। इफ यू हैव लाइक क्रेडिट कार्ड तो तुम्हारे पास ऑप्शन है पर मंथ देने का, है ना। एक साथ साथ में बच्चों, जो बच्चे आइकॉनिक पे जाना चाहते हैं, यहाँ पर तुमको मेंटोर अलग से मिल जाता है, एक पर्सन जो सिर्फ तुमको गाइड करेगा, साथ में प्लस के सारे फीचर्स। तो आइकॉनिक इज लाइक ये, अगर प्लस है मतलब ये आइकॉनिक है तो ये प्लस है ना, ये प्लस, तो आइकॉनिक में प्लस भी मिलता है, बट प्लस में आइकॉनिक नहीं, नहीं वो बिल्कुल वैसे ही, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, लाइक दैट। तो ऑल द आइकॉनिक कंटेन प्लस, बट ऑल द प्लस डू नॉट कंटेन आइकॉनिक, राइट। बस ऐसे ही कुछ समझना है यहाँ पर। साथ साथ में जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो वो कोड यूज जरूर यूज कर लें बच्चों, है ना, ये कोड जरूर से जरूर यूज कर लें। कौन सा कोड? सबको पता है, दैट इज एटी सर, दिस इज द कोड, है ना। और तुम्हारी फीस 6 मंथ की 34,000 है ना, आफ्टर यूजिंग दिस कोड, क्योंकि 10% ऑफ मिल रहा है, राइट। साथ साथ में 58,000 फॉर 12 मंथ एंड फॉर 90,000 के लिए 24 मंथ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो तुमको यहाँ पर याद रखने हैं, सिंपल चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई नीट के लिए तो मेन है ना, नीट के लिए तो मेन है। प्लस मैं तुम लोगों को स्पेशली बता दूँ
जो भी बच्चे लाइव हैं स्पेशली, कि कल हमारा अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट एक फ्री टेस्ट सीरीज है हमारी अनअकैडमी की, और ये कल 11 बजे है मॉर्निंग में। कोई बच्चा अगर सिलेबस जानना चाहे, है ना, एक तो ये याद कर लो, ये अल्टरनेट संडे होता है ना, अल्टरनेट संडे, एवरी अल्टरनेट संडे, राइट। और अल्टरनेट संडे में जैसे कल है 13th ऑफ दिसंबर, तो कल है ये, फिर ऐसे ही 14 डेज बाद होगा। 11th वाले बच्चों के लिए जो सिलेबस है ये है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसमें से मैंने काफ़ी टेस्ट ले लिए इन सब के। हाँ, ये जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज है ये कॉमन पार्ट हो जाएगा ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज इनका कॉमन पार्ट हो जाएगा। साथ में जो बच्चे 12th के हैं, ये ज़्यादा आगे आ गया, हाँ, जो बच्चे 12th के हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाला चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, सुकून से शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक वर्ड को समझेंगे। थोड़ा सा पेशेंस तुमको लगाना होगा, क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक चलाऊंगा, कुछ हैंड रिटन हमेशा की तरह, और कुछ पावर पॉइंट के थ्रू, एक स्लाइड के थ्रू तुमको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा रही थी तुमको, और जो नहीं पढ़ाए, देखो 13th में भी ये चैप्टर कॉमन है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट्स व्हाई आई हैव चूज़न दिस चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सुकून से पढ़ेंगे इसको, सिस्टमैटिक पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बहुत प्यारा चैप्टर है। एंड नीट में तुम्हारे को, तुमको ये है ना, दो क्वेश्चन तो कंफर्म दे देता है। इस चैप्टर को पढ़ने का एक फायदा बच्चों और भी है, अगर तुमने प्लांट किंगडम ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो प्लांट किंगडम के एंजियोस्पर्म पार्ट को थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये चैप्टर, राइट। तो सुकून से पढ़ना है, पेशेंस रखना है, और ये चैप्टर आपका 2 से 2.5 घंटे चलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 से 2.5 घंटे चलेगा, जिसमें बहुत सी हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में, अच्छा ये सब कुछ मैं तुमको जैसा मैं बोलता हूँ तुमको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, तो तुमको एज इट इज नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक, जैसा हम लोगों ने ट्रिक के लिए कल किया था बिल्कुल वैसा ही। तुम सबको, आई होप सारे बच्चों को, कितने बच्चों को यहाँ पर वो ट्रिक वाले वीडियोज, वो जो पीडीएफ थी वो मिल गई जो मैंने कल बनाई थी, किसको किसको मिल गई और किसको नहीं मिली, जस्ट मैसेज, राइट। तो ये दो क्वेश्चन कंफर्म, और आपके फाइनल एग्जाम्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन देता है, अगर आप सब्जेक्टिव वाले बोर्ड्स के बच्चे हैं ना, राइट। तो मैंने इस नीचे दिए हुए एक टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी नीट प्रो, उस पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो जाकर देख लो, अभी भी देख लो, पढ़ी होगी, राइट। तो काफ़ी बच्चों को तो मिल गई, दानिश है ना, काफ़ी बच्चे हैं, तो जाओ और उसको डाउनलोड, मतलब उसको फॉलो करो उस टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर वो पीडीएफ है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, मैंने कल एक्सप्लेन की थी। तो चलो स्टार्ट करेंगे चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम होपिंग कि सारे बच्चे सुकून से है ना पढ़कर आए, सुकून से चीज़ों को सिस्टमैटिक फॉर्म में समझ के आए होंगे, चीज़ों को सिस्टमैटिक पढ़ेंगे ना, चीज़ों को क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक। अच्छा, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक छोटा सा है ना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है चाइना रोज का, और जितने भी, इस बात को समझना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऑल दी फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल दी फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब बच्चों क्या होता है, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म, राइट, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं वो सारे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वो सारे ही क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे कि इस डायग्राम में एक चाइना रोज है, जैसे कि इस डायग्राम में एक चाइना रोज है, राइट, दिख रहा है सब, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट कहां पर है, तो द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या होगा इसकी साइट बच्चों, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज 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 क्या, फ्लावर। तो अगर हमने फ्लावर को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो हम बहुत गारंटीड फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि हाँ हमने इस चैप्टर को सिस्टमैटिक समझ लिया, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और यहां पर आप देख रहे हो ना एक चाइना रोज, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, चाइना रोज के फॉर्म में हिबिस्कस, तो आपको ये सिस्टम याद होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और सिस्टमैटिक फॉर्म में समझो, इन सब चीजों के लिए, मेरी बात को समझना, इन सब चीजों को सिस्टमैटिक समझने के लिए आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास 3 चीजें हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कभी भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, राइट, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट, क्या वर्ड यूज किया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट,
ठीक है, डन। एक फर्टिलाइजेशन जो मेन है, फर्टिलाइजेशन, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? अब मेरी बात को सारे बच्चे जो ध्यान से सुन रहे हैं और सच में पढ़ने आए हैं, वो चैट ऑफ करके सुकून से पढ़ना, क्योंकि जब मैं तुमसे एमसीक्यूज पूछूंगा तभी आंसर देना है। बीच बीच में तुमको तीन तीन चार चार एमसीक्यूज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तभी आंसर देना। अदरवाइज चैट ऑफ करके पढ़ोगे, यू विल फील गुड, वंडरफुल फील, है ना? अच्छा, समझना कंसेप्चुअली। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बच्चों इस कहानी को ध्यान से समझना, जो आपके मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? ये जो पॉलन ग्रेन है ना, स्टैमन है, इन सब चीजों का फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। दूसरा, उसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, राइट? ये एक छोटी छोटी बातें हैं। साथ साथ में पॉलिनेशन जो है वो भी एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है। मेरी बात को समझना, पॉलिनेशन जो है बच्चों, है ना, वो भी क्या है? एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है। बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, सिंपल सिंपल सी चीजें बता रहा हूं। फर्टिलाइजेशन तो ऑब्वियस ही बात है, हम तो पढ़ेंगे ही और काफी कुछ सिस्टमैटिक फॉर्म में भी समझेंगे यहां पर, बट इस बात को बहुत क्लियर फॉर्म में समझना कि पहले इस कंसेप्ट को समझो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी तीन इवेंट है, एक फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट और एक फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो? फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट में क्या है? मेल पार्ट का डेवलप होना। जैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में पढ़ते हो, वैसे तो मेल पार्ट में वो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म बना, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बने, ऊ जेनेसिस, ऐसी चीजें। और प्लस स्पर्म और ओवा, मतलब स्पर्म का ओवा तक ट्रांसफर होना, तो वो पॉलिनेशन। तो ये तीनों चीजों को हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। अच्छा, जैसे ही हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, अच्छा, पॉलिनेशन भी काफी ब्रॉड है, काफी ब्रॉड है, तो फर्टिलाइजेशन में जो प्रॉपर सिस्टम है, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसमें हम लोग स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन यहां पर पढ़ेंगे। क्या डबल फर्टिलाइजेशन? राइट, बहुत सुकून से समझना है, डबल फर्टिलाइजेशन समझेंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब जैसे ही हम जंप करके जाएंगे कहां पर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बच्चों, फिर आप वहां पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मेरी बात को समझना, क्या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करेंगे यहां पर सिंपल लैंग्वेज में। या फिर ये जो एंडोस्पर्म है ना, इसके डेवलपमेंट की बात कर लेंगे, या फिर आप जो एम्ब्रियो है उसकी उसकी बात कर लेंगे, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ, राइट? ये छोटी छोटी सी बातें आपको यहां पर समझनी है। और वो डाइकॉट एम्ब्रियो है या मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ये आपको प्रॉपर फॉर्म में समझना है। फिर सीड के बारे में थोड़ी बहुत बात समझेंगे, सीड कैसे बन रहा है, ओव्यूल से स्पेशली। और फाइनली दो तीन टर्म्स हैं, है ना, दो तीन टर्म्स हैं, जैसे कि वो, अच्छा, सीड के साथ साथ में जो फ्रूट्स हैं उनके बारे में कुछ समझेंगे, और फिर लास्ट में कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टर्म्स हैं, एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी, इसको समझना है। तो मेरी बात को समझना बहुत क्लियर लैंग्वेज में, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में। क्या इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी दिस प्री फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एंड देन फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में, है ना? साथ साथ में इसको यहां रख देता हूँ, हाँ ठीक है, साथ साथ में इस बात को थोड़ा और सिस्टमेटिक अगर समझ पा रहे हो तो, है ना, थोड़ा सा और अगर समझ पा रहे हो तो, अगर वेट, ये कुछ आगे बढ़ गया है ना शायद, हाँ यस। तो यहां पर सिंपल लैंग्वेज में फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन, और फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, और दो टर्म है, एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ये अच्छा कर लिया तो चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े क्या? सिंपल लैंग्वेज में आगे बढ़ते हैं, है ना, छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत आसान है, सिंपल समझोगे तो मजा आ जाए, है ना? अब मेरी बात को समझना बच्चों, सारे बच्चे मेरी बात को समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज। ये जो सारे कांड हो रहे हैं, सारे काम जो हो रहे हैं यहाँ पर, स्पेशली मैं बात करूँ तो यहां पर मैं स्पेशली बात करूंगा, ये दिखा देता हूँ। यस, तो इस बात को बहुत सिंपल फॉर्म में समझना, ये सब होते कैसे हैं? तो कुछ कुछ सेवरल हॉर्मोन्स है ना, सेवरल हॉर्मोन्स हैं, और कुछ जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है? दे परफॉर्म सम स्ट्रक्चरल चेंज,
जैसे आपको पता है फ्लोरिजन हार्मोन है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनसीईआरटी में नहीं है बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो स्ट्रक्चरल चेंज है ना करते हैं, और स्ट्रक्चरल चेंज के अलावा जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है राइट, है ना, तो इस चीज को याद रखेंगे, डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो भी आपको याद रखना है ठीक है। तो ये सब चीजों की वजह से फ्लोरल जो प्राइमोर्डियम है, मेरी बात को याद रखें, दिस इज व्हाट, वेट, ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम है जो यहां नीचे दिख रहा है तुम, जहां से फ्लावर पहली बार डेवलप हुए, आपको फिर वही फ्लोरल बड बनाते हैं और ऐसी चीजें नीचे डायग्राम में दिख रहा है, बिल्कुल इन्हीं की बात करें। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे विल क्रिएट व्हाट, फ्लोरल प्राइमोर्डियम, प्राइमोर्डियम मतलब इनिशियल बड, ऐसा समझ लो प्राइमोर्डियम है ना, प्राइमोर्डियम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, एक चीज याद रखेंगे। और इस बात को समझना, ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम कहां पर प्रेजेंट होता है, तो यही कल को जाकर बनाता है बड, और दिस बड प्रेजेंट एट विच एरिया, इन फ्लोरेसेंस एरिया में ना, इन फ्लोरेसेंस एरिया में राइट, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में, इन फ्लोरेसेंस के फॉर्म में। बातें क्लियर है ना सारे बच्चों को, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो एक फ्लोरल बड जो है ना, एक फ्लोरल बड जो है, उस फ्लोरल बड से बहुत सी चीजें यहां पर चेंज होती हैं। अब मेरी बात को समझना, अगर समझ पा रहे हो तो। ये हम सबसे पहले वैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे, बट बिफोर दैट मुझे बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना सारे बच्चे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना फटाफट सारे बच्चे, है ना। आई एम वेरी मच ईगर कि आज कितने बच्चे बहुत मोटिवेटेड फॉर्म में हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बताओगे तो मुझे खुशी होगी काफी कि हाँ बच्चों को चीजें क्लियर है, जल्दी से बताएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छा जाने वाला है, तुम्हारे कोई डाउट नहीं रहेंगे, दिस इज द प्रॉमिस, बट तुम्हें आंसर प्रॉपर करना है, आंसर प्रॉपर करना है राइट। तो मेल सेक्स ऑर्गन की जब भी मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन, वंडरफुल। तो आंसर इज व्हाट, ऑफ कोर्स स्टैमन, बिल्कुल क्लियर। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चलो बताओ। अ ब्रॉड नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टैमन इज कॉल्ड एज राइट, अ ब्रॉड नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट इज नोन एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं दोबारा बता दूं सारे बच्चों को, ये लेक्चर अराउंड 2.5 घंटे जाएगा, तो बी पेशेंट है ना उन 2.5 घंटों के लिए, और क्योंकि तुमको फ्यूचर में वैसे भी डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का मतलब क्या होता है, पेशेंस की दुकान, पूरा पूरा पेशेंस लेकर घूमना पड़ता है ना। चलो तो बातें आपको समझ में आ रही हैं, फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टैमिन इज नोन एज, एंथर, कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और छोटा सा क्वेश्चन, एंथर के बारे में पूछ ही रहे हैं तो जरा थोड़ा सा डीप ले जाते हैं, है ना, थोड़ा सा डीप ले जाते हैं, तो इससे क्या होगा, अगला जो पार्ट है उसको समझने में तुमको फील आएगी, ज्यादा फील आएगी। तो जल्दी से बताओ, मोनोथिकस एंथर इज सीन इन किसके अंदर, थर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, काफी बच्चे आंसर्स भी दे रहे हैं, मोनोथिकस एंथर की बात करें तो धतूरा या हिबिस्कस या सोलेनम या ब्रासिका, क्या, बिल्कुल क्लियर। तो आंसर विल बी, अभी अभी बात हुई थी, चाइना रोज है, हिबिस्कस मैंने बोला आप लोगों को, आई होप काफी बच्चों ने ध्यान से भी सुना एंड वंडरफुल, है ना, बहुत अच्छे। तो चलो शुरू करते हैं चीजों को सिस्टमैटिक, और एक फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना। और बिफोर दैट व्हाई नॉट लाइक वेट, तो क्यों ना हम लोग क्या करें, एक सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझें। एक फ्लावर है, एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे लिए, समझना कंसेप्ट को, बहुत सिंपल सी बात है, और चैप्टर बहुत स्लोली और सुकून से चलाऊंगा, तो इसलिए जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आई एम प्रॉमिसिंग यू इस चैप्टर का एक कंसेप्ट तुम्हारा नहीं मिस होगा राइट। ध्यान से समझना, एक सिंपल फ्लावर का पार्ट है, और यहां पर आप इसको क्या बोलते हो, यहां पर छोटे छोटे रेसे से होते हैं बच्चों, और इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, इनको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, बहुत सिंपल, बहुत आसान है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, और इन तीनों को कलेक्टिवली बच्चों क्या बोलते हैं, है ना, इसको आप लोग लाइक गाइनोशियम बोल सकते हो, गाइनोशियम है ना, या फिर आप इसको पिस्टल बोल दो, थोड़ा सा डिफरेंस है बट उस पर हम बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, या फिर आप कार्पल बोल दो, है ना, अलग अलग नामों से आपको अलग अलग, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर राइट।
उसी तरह यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, कंसेप्चुअली समझना। दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? एंथर। एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट, है ना? और एंथर और फिलामेंट की जब मैं बात स्पेशली करता हूं, राइट, ध्यान से समझना, तो इट इज मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल है ना, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या प्लांट जो भी बोलो। एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज स्टैमिन। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज वॉट? स्टैमिन। वेरी सिंपल, बहुत आसान है जो बच्चे सच में पढ़ना चाह रहे हैं। नाउ द थिंग इज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये जो एंथर है ना, और फिलामेंट है, कंसेप्ट कंसेप्ट की बातें कर रहा हूं, एंथर है और फिलामेंट है, कंसेप्चुअली समझेंगे। तो एंथर और फिलामेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या? कलेक्टिवली मेल पार्ट तो है, बिल्कुल ठीक। एंथर के अंदर आपको मिलेगा पॉलन ग्रेन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। क्या वर्ड यूज किया? पॉलन ग्रेन, डन। अच्छा, दिस इज मेल एंड फीमेल पार्ट, ये जो भी गंदा सा डायग्राम आपको दिख रहा है। नाउ अगर मैं बात करूं, है ना, एक बार ग्रीन लेना चाहता हूं मैं, हालांकि आओ भाई, नहीं दिखोगे, हाँ देखो। अच्छा, यहां पर मैंने क्या किया, एक कैलिक्स की बात कर रहा हूं, और हालांकि यहां पर सारा पार्ट है ही है, और यहां पर मैं थोड़ा सा कलरफुल, किस कलर में ले लूं, मान लो ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये क्या हो गया बच्चों? पेटल, है ना? क्या वर्ड यूज किया? पेटल, वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस पार्ट इज नोन एज सेपल। तो सेपल और पेटल, पेटल के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। मान लो कोई एक बच्चा भी हो जिसको ना पता हो, और सेपल के ग्रुप को बच्चों बोलते हैं क्या? कैलिक्स, है ना? तो मेरी बात को सिंपल लैंग्वेज में समझना, एक फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, है ना? एक फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, है ना, जिसमें से एक जो सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्म में आप समझ लो, राइट, और एक एसेसरी ऑर्गन एकदम ह्यूमंस की तरह आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। इसमें भी जो मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, डन है ना? मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट, बहुत सिंपल सी। उसी तरह से एसेसरी में हमारे पास वैसे तो तीन हैं, बट आप इसको याद रखो, कैलिक्स, कोरोला, है ना? कोरोला की बात करो, कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल बच्चों, सेपल, राइट, बहुत सिंपल। और कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ वॉट? पेटल, वो जो कलरफुल होता है। हाँ, हालांकि दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स में मैं आपको कभी समझाऊंगा जरूर, तो उनको टेपल बोलते हैं, वो एक बात ही बात है। आई होप तुम्हें वो चीज पता है, बट आई स्टिल मैं तुम्हारे लेक्चर्स लूंगा, और शायद मंडे से तुम लोगों के कुछ क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट, राइट। तो सेक्स ऑर्गन की जब मैं बात करूं, तो सेक्स ऑर्गन में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है? एंड्रोशियम, और उसके एग्जाम्पल में स्टैमन, और स्टैमन बनता है किससे? एंथर और फिलामेंट। क्या वर्ड यूज किया? एंथर और फिलामेंट, वर्ड को याद रखेंगे। उसी तरह से बच्चों फीमेल की बात जब मैं करूं, तो फीमेल पार्ट किस किस से बनते हैं, सबको क्लियर है ना? बातों को सिंपल लैंग्वेज में समझना, फीमेल पार्ट किस में बनता है? ठीक, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर फॉर्म में याद रखना है, क्लियर फॉर्म में। तो फीमेल पार्ट में आपके पास एक तो स्टिग्मा, स्टाइल, है ना, और फिर ओवरी। ओवरी को मैं तुम लोगों को बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर दैट, है ना, तुमको ये पूरा फ्लो चार्ट एक बार दिमाग में तो फिट कर लेना है कि फ्लावर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ने क्या वाले हैं। कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना, बातें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में समझेंगे। कलरफुल पार्ट ऑफ द, तो कलरफुल इज ऑफ कोर्स, है ना, टेपल, ये पेटल की बात कर। तो बिफोर दैट हम लोग क्या करें, एंड्रोशियम और गायनोशियम, जो मेन पार्ट है ना, उसकी बात करेंगे ना। मेन पार्ट है जैसे एक, है ना, सेक्स पार्ट, सेक्स ऑर्गन के पार्ट में, तो एंड्रोशियम और गायनोशियम की बात करेंगे, राइट।
एंड्रोशियम में कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूं क्विक फॉर्म में सारे बच्चों को। एंड्रोशियम में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, हालांकि क्लियर फॉर्म में बता दूं क्या, ध्यान से समझ लो इंपॉर्टेंट कि एंड्रोशियम, पहली चीज तो एक चीज याद कर लो कि ये मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट फर्स्ट थिंग। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं आपको सबको पता है ना, इसको हम स्टैमन कलेक्टिवली बोलते हैं, स्टैमन वर्ड यूज किया इसके लिए। और इस बात को समझना, ये जो स्टैमन में जो स्टाइल है ना, स्टाइल कह रहा हूँ, फिलामेंट है, इसकी लेंथ वैरी करती है। तो स्टैमन लेंथ इज वैरी स्पीसीज टू स्पीसीज, अलग अलग फ्लावर्स में, अलग अलग स्पीसीज में इसकी। तो ये बात याद रखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में या तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में कि क्या ये ट्रू है फॉल्स है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स लाइक दैट। तो देयर नंबर लेंथ एंड ऑब्लिक नंबर है ना आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज, इन डिफरेंट स्पीसीज, राइट। आई होप ये मेरी बात तुम समझ पा रहे होगे कि किस इंटेंशन से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। तो ये कहानियां आपको एंड्रोशियम में समझ में आनी चाहिए। अब जरा सिंपल लैंग्वेज में एंड्रोशियम को थोड़ा सा और डिटेल में समझो। इसके अंदर बच्चे जब भी मैं बात करूं, ये जो स्ट्रक्चर बना है तुम्हारे सामने, दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब जो लंबा वाला पार्ट है, और एंथर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, एंथर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक। और उसमें भी जो फिलामेंट है, अगर मैं इसकी स्पेशली बात करूं तो फिलामेंट हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा फिलामेंट बच्चों कैसे होंगे, फिलामेंट्स आर व्हाट, लॉन्ग, राइट, ऊपर से स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतले। तो ये दो कीवर्ड्स आपके लिए याद रखें, तो दीज आर लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है ना, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्म। दूसरी चीज, एक और चीज आपके नीट में पूछी जाती है और सिंपल है, इजी है, राइट, दे आर प्रोक्सिमल एंड है ना, प्रोक्सिमल एंड, ये बातें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म में हेल्प करेंगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हेल्प करेंगी बच्चों, किसमें, चीजों को एज इट इज नीट में और बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा करने के लिए और कल के कॉम्बैट में भी। प्रोक्सिमल एंड अटैच टू व्हाट, अटैच टू थैलेमस, तो प्रोक्सिमल तो थैलेमस से, और डिस्टल फॉर्म में है ना, या फिर थैलेमस या फिर पेटल। तो नीचे वाले पार्ट को क्या बोला, प्रोक्सिमल, मेरी बात को समझ पा रहे, फिलामेंट जो है इसका ये नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोक्सिमल तो लिखा है बट दूसरा वर्ड क्या पूछेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू, और फिर तो तुम कंफर्म हो गए ना कि प्रोक्सिमल तो इससे जुड़ा, तो डिस्टल मतलब एंथर से जुड़ा। तो ये वर्ड तुमको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो तुम ध्यान नहीं देते, मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। डिटेल में तो बहुत कुछ है, सब में जाएंगे, बट कंसेप्ट बेसिक वाला तो पहले समझे, ये मेरी बातें तुमको समझ में आ गई। अगली बात एंथर की कर ले है ना, एंथर की बात कर ले। एंथर इज व्हाट, टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टैमन, क्या टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टैमन, टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टैमन फर्स्ट थिंग, एंड इट इज बाईलोब्ड, क्या वर्ड यूज किया, बाईलोब्ड, बाईलोब्ड मतलब दो लोब से बने हैं, ध्यान से देखो, एक लोब ऐसा और एक लोब ऐसा, तो दो दो लोब हैं, एक इधर एक इधर, दो लोब ऐसे जुड़े हुए, राइट, एक बात याद रखो। और हर लोब के पास अगर तुम ध्यान से देखो, तो जैसे एक लोब ये है और इसी में दूसरा लोब ये है ना, तो दोनों लोब में दो दो थीका हैं, ध्यान से अभी हम डायग्राम भी देखेंगे, राइट, इस बात को ऐसे समझो, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऐसा सा एंथर का स्ट्रक्चर होता है। इसको बोला लोब वन, प्लीज याद करो, और इसको बोला बच्चों लोब टू, ठीक, और इसको बोला एक थीका वन और इसको बोला थीका टू, ठीक है, इसको बोला थीका थ्री और थीका फोर। लेकिन ये तो बोल सकते हैं कि इट इज बाईलोब्ड, हाँ या ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बाईलोब्ड, ठीक है, और हर लोब में दो दो थीका है, तो क्या बोलते हैं, डाई थीकस, डाई थीकस, तो
एंथर की डेफिनेशन भी यही है बच्चों। तो एंथर इज वॉट, ऊपर से देखो ना जैसे ऐसे ऐसा लटका रहता है, यहां पर देख रहे, तो यहां पर दिख रहा है एंथर, इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस, ये वर्ड याद रखेंगे, क्या बाइलोब्ड एंड वॉट डाइथीकस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कंसेप्ट समझना होगा बस। तो बाइलोब्ड और डाइथीकस का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यस। चलो जी, बहुत अच्छी बात, ठीक है, आगे की बात करते। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक एंथर की बात, तो इसी के अंदर है ना पॉलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, राइट, मेरी बात को समझ पा रहा है, पॉलन ग्रेन्स डेवलप। अब जरा कंसेप्ट को समझना, ये दिख रहा है तुमको, ये ऐसा सा होता है, तो इट इज वॉट बाइलोब्ड, तो यहां पर लोब वन, बट ये थीका वन, दिस इज अगेन थीका टू, दिस इज इस इधर का वन इधर का टू, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना, इस तरह से हर एक में क्या क्या हुआ, दो थीका, मतलब टोटल चार थीका, बट एक में तो दो थीका, दैट्स व्हाई डाइथीकस, तो बाइलोब्ड डाइथीकस, ऐसे वर्ड याद करते हैं। नाउ द थिंग इज, इंपॉर्टेंट है, एक एंथर की एक उसकी हम वो क्या करते हैं प्रॉपर फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं एंथर के फॉर्म में, और इस बात को तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि ये सपोज एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तब ऐसा दिखेगा, अब वो गंदा अच्छा दिख रहा है तो एक थोड़ा सा और सुंदर बनाऊं क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इट इज ऑल, ठीक है, ये ऐसा, भाई दोबारा से दुबला पतला बन गया यार, रुको रुको, थोड़ा सा और सुंदर नीचे वाले पहले बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी शायद ठीक जम जाएगा, मेरी बात को समझना, इसमें बच्चों चार लेयर्स होती हैं, चारों लेयर को सिस्टमैटिक याद करोगे, सबसे बाहर की लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर को क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस, एक दूसरे को क्या बोलेंगे, इसके जस्ट नीचे भी एक लेयर होती है, इसको क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम, क्या वर्ड यूज किया, एंडोथीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत सिंपल, इसके नीचे एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, क्या वर्ड यूज किया, मिडिल लेयर, जल्दी से बताओ बच्चों, उसके नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं, जल्दी बताएंगे, उसके नीचे की लेयर को बच्चों क्या बोल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज टैपिटम, क्या वर्ड यूज किया, टैपिटम, और ऐसा चारों जगहों पर होता है, एंड द बेस्ट थिंग इज जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट है बच्चों, इसको बोलेंगे क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, और यही कल को डिवाइड करके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं ना, पॉलन ग्रेन मदर सेल, फिर फाइनली वो डिवाइड करके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं ना, तो बस ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अब एक चीज और समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर मिलाकर ये जो पॉलन ग्रेन है उसके डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, क्या वर्ड यूज किया, डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, और टैपिटम का मेन काम क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझना, अगर इतनी बातें समझ पा रहे हो, है ना, इतनी बातें अगर ढंग से समझ पा रहे हो, तो यहां पर तुमको दिख रहे हैं ना, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन भी है, प्रॉपर मेंशन, राइट, अब उसके लिए वर्ड इन्होंने मेगा स्पोर मदर सेल दिया, जो कि बाद में बनते हैं, तो कंसेप्ट को इस बात को याद रखना है कि एक वाले को, इस बात को थोड़ा सा और समझना, है ना, क्योंकि ऐसा ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, एक पार्ट को, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या है, एक पार्ट है, और एक पार्ट का ये पूरा पार्ट, और इस पार्ट को जो एक थीका है, भाई लोब तो पूरा हो गया, लेकिन एक थीका को ये लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या वर्ड यूज किया, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या सिंगल टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन हाउ मेनी लेयर्स, तो यू हैव टू राइट व्हाट, फोर लेयर्स, क्या वर्ड यूज किया, फोर लेयर्स, यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब एक सिंपल जो थीका है, थीका, थीका को ही पूरा, जो पूरा पार्ट है थीका, उसको क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे कितने थीका है, तो एक लोब में दो, दूसरे लोब में फिर से दो, और उसी थीका के लिए वर्ड क्या यूज कर लिया, ये
और थीका या माइक्रोस्फोरेंजियम में कितनी लेयर्स हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड फाइनली टैपेटम. क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? यस और नो, यस और नो बच्चों, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में. हाँ जी, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें, है ना? बातें समझ में आ रही हैं? वंडरफुल, बहुत अच्छे. नेक्स्ट, इसको थोड़ा और समझते हैं. तो इस तरह से हम लोग जब बात करते हैं तो हाउ मेनी माइक्रो माइक्रोस्फोरेंजिया, राइट? तो आपको लिखना है देयर आर व्हाट, फोर माइक्रोस्फोरेंजिया. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग जो अभी अभी आ रहे हैं. चलो, गुड इवनिंग एवरीवन. अच्छा लगता है कि तुम लोग पढ़ने के लिए इतना अटेंटिव रहते हो. जब भी मैं कुछ क्लासेस ऐसी लेकर आता हूं, काफी बच्चे मुझे मिलते हैं, राइट? अब इस बात को समझना, ये जो मेरे कीवर्ड्स को समझो. पहला वर्ड मैंने बोला क्या? डाइथीकस, दो है ना इस बात को, तो दो लोब हैं और हर लोब में, इस वर्ड को ऐसे याद करो, टू लोब है ना, टोटल फोर यहां पर थीका. हर थीका का ही दूसरा नाम क्या है? मेरी बात को समझना, क्योंकि उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, इसलिए माइक्रो. अगर फीमेल होता तो मेगा, बट यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम एक को बोल रहे हैं, राइट? अब मेरी बात को समझना, इस वर्ड को याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम. तो और पूरे वर्ड, पूरे एरिया को क्या बोल रहे हैं? पॉलन सैक. क्या वर्ड यूज किया? मेरी बात को समझेंगे, पूरे एरिया को, ये जो लोब वाला एरिया है, राइट, एक लोब के फॉर्म में, एक एक लोब है ना जो है, उस एक लोब के अंदर जो एक थीका है, उसी के लिए आप लोग पॉलन सैक भी बोल सकते हो, पॉलन सैक. क्योंकि सैक जो पूरा गड्ढा है, उस गड्ढे को बोल रहे हैं. अब उस गड्ढे के अंदर तुमको एपिडर्मिस है ना, यहाँ पर जो चारों आपकी लेयर हैं, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर है, फिर टैपिटम है, ये सारी चीजें मिलेंगी. और सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेंगे. अगर इतनी बातें तुमको समझ में आ रही हैं, तो मैंने तुमको चार कीवर्ड बताए अभी तक. पहला, दो यहां पर लोब है, फर्स्ट कीवर्ड इज लोब, सेकंड कीवर्ड इज थीका, है ना? वो जो थीका है, एक थीका, एक पॉलन सैक के फॉर्म में आप बोल सकते हो उस पूरे गड्ढे को, और उसी के अंदर जो पूरा एरिया है जिसमें अलग अलग लेयर्स है, उसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम में बच्चों चार लेयर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया यहां पर, है ना? माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रॉपरली चार लेयर्स है ना, और उस चार लेयर के अंदर तुमको पता है कि फिर भी सबसे अंदर चार लेयर के बाद तुमको मिल रहा है क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू, ये दिख रहा है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, यस. और यही स्पोरोजिनस टिश्यू कल को पॉलन ग्रेन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर. आई होप तुमको मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं, है ना? आई होप तुमको मेरे वर्ड समझ में आ रहे. तो कीवर्ड्स को याद रखो, थीका, माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर आप पॉलन सैक बोलोगे तब भी एक बार समझ में आ जाएगा, बट पॉलन सैक के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. अभी तक कहानियां सबको क्लियर हैं, है ना? थम्स अप कर दिया करो भाई, जल्दी से थम्स अप कर दिया करो. तो अब जो कहानी है यहां पर समझने वाली इंटरेस्टिंग कहानी, आपसे कोई पूछे कि टिपिकल में है ना, ये जो चारों लेयर्स है ना, ये चारों लेयर्स हैं, कौन कौन सी चारों लेयर्स हैं बच्चे? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा एंडोथीशियम, राइट, क्या वर्ड यूज किया? एंडोथीशियम. तीसरा मिडिल लेयर है ना, और तीसरा टैपिटम. तीसरा क्या हो गया? टैपिटम बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट. इन चार लेयर के साथ में ये जो शुरू की तीन लेयर है, मैंने तुमको क्या बताया? प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, पहला काम इनका हो गया प्रोटेक्शन में. ये नीट का एक क्वेश्चन बन सकता है, इफ मेन फंक्शन ऑफ दिस इज, तो आपको प्रोटेक्शन. और दूसरा स्पोर डिस्पर्जल को डेहिसेंस बोल रहे हैं, डेहिसेंस, ये वर्ड याद रखेंगे, डेहिसेंस का वर्ड याद रखेंगे, राइट? और उसी तरह से ये टैपेटम का मेन काम क्या हो गया? न्यूट्रिशन. टैपेटम का मेन काम क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सिंपल सी बात आपको यहां पर दे रखी है. कहानियां क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, डन. किसी को कोई डाउट नहीं है यहां पर? ठीक. अगली चीज, बातों को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बातों. अगली जो चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, दैट इज व्हाट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें, राइट, कैसे एक पॉलन ग्रेन बनता है,
पॉलन ग्रेन बनता है, बहुत सिंपल सी बात यहां पर याद रखना, क्लियर डन। तो इस बात को समझना, जैसे ही एक एंथर बनता है, एज द एंथर डेवलप, एज द एंथर डेवलप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, उसके अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं या पॉलन मदर सेल बोल दो, उसके अंदर क्या बनते हैं, सबसे अंदर वाला जो मैंने बोला, सबसे अंदर वाला क्या, स्पोर मदर सेल या फिर स्पोरोजेनेसिस, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, और ये पॉलन मदर सेल के अंदर होते हैं बच्चों क्या, मियोसिस, बात समझ पा रहे, इसके अंदर मियोसिस होंगे, और इस मियोसिस से बच्चों चार सेल बनेंगे जिनको हम बोलते हैं टेट्राड, क्या बोला, टेट्राड, बातें समझ पा रहे, टेट्राड। और वो जब टेट्राड कब बोलेंगे, मेरी बात को समझना प्लीज, मेरी बात को सारे बच्चे समझना, टेट्राड तब बोलते हैं जब वो साथ में रहते हैं, और जब वो सेपरेट हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलन ग्रेन। तो ये बनाते हैं, आप यूं समझ लो थोड़ा सा, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहां पर बात कर रहे हैं क्या, टेट्राड, और टेट्राड जब वो सेपरेट हो जाएंगे, मेरी बात को समझेंगे, टेट्राड, और जैसे ही वो सेपरेट होंगे दे विल फॉर्म व्हाट, पॉलन ग्रेन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, टेट्राड और पॉलन ग्रेन में दो, हर बच्चे को अभी कंसेप्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना, हर बच्चे को प्रॉपर क्लियर कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि टेट्राड और पॉलन ग्रेन में बेसिक डिफरेंस क्या है, येस और नो, है ना। तो जैसे ही पॉलन मदर सेल, अच्छा पॉलन मदर सेल भी किससे बना, स्पोरोजेनस टिश्यू से बना, है ना, स्पोरोजेनस टिश्यू से बना, कंसेप्ट को समझना, बातें समझ में आ रही हैं, कहानियां क्लियर, बातें क्लियर बच्चे, डन। चलो भाई अगली बात करते हैं। तो ये जैसे ही बना बच्चे, इस बात को समझेंगे सिंपल, तो इसमें कुछ और बेसिक बातें, जैसे ही उसके अंदर से वो माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म में जो पॉलन्स हैं वो डिस्पर्स होंगे ना, डिस्पर्स फॉर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, इसको कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। तो पॉलन ग्रेन, ईच माइक्रोस्पोरिंजियम कंटेन लाइक थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन, ये सिंपल सिंपल सी बात याद रखनी है आप तुमको, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन। एक और एक पॉलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर तुमको समझाना चाहता हूं, है ना, इस बात को समझना, एक पॉलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं, क्योंकि एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो पूरा पार्ट है उसमें चार सिर्फ नहीं बने, बहुत से बने, तो चार तो एक बार में बने, बात समझ पा रहे, लेकिन वो बहुत ढेर सारे यहां पर बने। तो अगर मैं बेसिक बात करूं तुमको स्ट्रक्चर वाइज, तो ये जो पॉलन ग्रेन तुमको यहां पर दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसा सा होता है, ध्यान से समझना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा, और इसके बाहर ऐसी सी क्या एग्जाइम की लेयर होती है ना, ऐसी सी एग्जाइम की लेयर होती है बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बाहर वाले को बोलते हैं एग्जाइम और अंदर वाले को बोलते हैं क्या, इनटाइन, क्या वर्ड यूज किया, एग्जाइम और इनटाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जो एग्जाइम है वो सबको पता है ना, ये स्पोरोपोलिनिन से बनते हैं, स्पोरोपोलिनिन, और जो इनटाइन है वो किस से, सेलुलोज और पेक्टिन से बनते हैं, सेलुलोज एंड व्हाट, पेक्टिन से बनते हैं, बहुत क्लियर चीजें याद रखेंगे। अच्छा एक्जाइन और इनटाइन को कलेक्टिवली बच्चों क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म, डर्म का मतलब लेयर, स्पोर मतलब ऑफ कोर्स पॉलन ग्रेन की बात कर, ऐसी जगह जहां पर ये एक्जाइन नहीं होता उसको बोलते हैं जर्म पोर, क्या वर्ड यूज किया, जर्म पोर, दैट्स इट। हाँ काम की बात ये, यहां पर काफी बड़ा सा आपको वेजिटेटिव सेल या फिर पॉलन सेल मतलब ट्यूब सेल मिल जाएंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, जो बड़ा सेल, इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, दोनों ही हैप्लॉइड हैं ऑफकोर्स, वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाले को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स, राइट। तो ये कहानियां भी समझ में आ गई कि एक पॉलन ग्रेन में आपको पांच कीवर्ड याद रखने हैं, कौन कौन से, एक्जाइन जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनता है, एंटाइन जो सेलुलोज से स्पेशली बनते हैं, और पैक्टिन तो लगा लो, जहां पर एक्जाइन नहीं है उसको बोला जर्म पोर, वहीं से पॉलन ट्यूब एक्चुअली बनती है, यही जर्म पोर से पॉलन ट्यूब रिलीज होती है ना, पॉलन ट्यूब रिलीज होती है, पॉलन ट्यूब, राइट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पॉलन ट्यूब रिलीज होती है।
अच्छा, अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक का नाम क्या होता है वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, दूसरे का नाम क्या होता है बच्चे, जर्म सेल्स राइट, या सेक्स सेल्स, आप जो भी बोलना चाहो इट्स ऑल अप टू यू। कहानियां यहां तक क्लियर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में आपके एनसीईआरटी में दो बातें और दे रखी हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर बच्चे को याद होना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि चलो एग्जाइन तो आपको बता ही दिया है ना, एग्जाइन तो तुमको बता ही दिया, तुमको एक चीज याद होनी चाहिए, कोई भी पॉलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी राइट, जनरली स्फेरिकल ठीक। फर्स्ट थिंग, साइज वाइज 25 से अराउंड 50 मिलीमीटर डायमीटर में है, डायमीटर में है बच्चों, एक बात ये भी याद रखेंगे, 25 से 50 मिलीमीटर का डायमीटर है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बोलो, 25 to 50 मिलीमीटर राइट। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे इसमें, जो आपका एक्साइन है ना, जो एक्साइन है इट इज दी लाइक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल ना पूरे अर्थ पर, मोस्ट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल राइट, ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल, ना किसी हीट से, ना किसी पीएच से, ना किसी एसिड से, ना किसी अल्कलाइन से, किसी से भी ये क्या होता है डिग्रेड नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर तुम 12th के बच्चे हो, और ये क्वेश्चन आता है आपके नीट में कि व्हाई पॉलन ग्रेन इज नॉट इजिली डिग्रेडेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरो पॉलिनिन या फिर एक्साइन, स्पोरो पॉलिनिन से बने हुए, स्पोरो पॉलिनिन से बने हुए एक्साइन्स की वजह से ऐसा काम होता है। क्लियर कंसेप्ट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए राइट, इजी एंड सिंपल, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उसी तरह से जब मैं इंटाइन की बात करूं तो इंटाइन इज इनर लेयर है ना, या इनर वॉल, दो चीजों से बनता था, मैंने बोला सेलुलोज एंड पेक्टिन, बच्चों क्या वर्ड यूज किया, सेलुलोज और व्हाट, पेक्टिन की बातें यहां पर करेंगे, कोई डाउट नहीं किसी को अभी तक। अच्छा समझने वाली बात ये भी है ना कि इसके बाद जो मेन पॉलन ग्रेन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये वर्ड तो आपको रटा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन को ही क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट, और इस मेल गैमेटोफाइट के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्लीज लाइक इस वर्ड को समझना कि जो कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर में वो आपको परेशान करते हैं, और चैप्टर में है कुछ भी नहीं, 10th क्लास में पढ़ रखी है आधी चीजें तुमने, समझ रहे हो मेरी बात, 10th क्लास में आधी चीजें तुमने पढ़ रखी हैं, तो यहां पर कीवर्ड क्या हुआ, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। हालांकि किसी दिन बोलोगे और हम लोग एक ट्रिक के फॉर्म में भी याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हर चीज की ट्रिक बनी हुई है राइट। तो ये वर्ड समझ गए, तो पॉलन ग्रेन इज नोन एज व्हाट, मेल गैमेटोफाइट। इनर वॉल तो हो गई, अगली बात जो यहां पर समझनी है, दो तरह के सेल्स भी हैं, एक का नाम है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल कोई कंफ्यूजन नहीं, और वेजिटेटिव सेल हमेशा ध्यान से समझेंगे बड़े होते हैं, आपसे पूछ ले कल को क्वेश्चन कौन सा बड़ा है, तो साइज में बड़े क्योंकि दे हैव मोर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म राइट, मोर साइटोप्लाज्म, ज्यादा साइटोप्लाज्म है बच्चों से राइट, क्यों, क्योंकि यही कल को बनाता है पॉलन ट्यूब, यही कल को बनाता है पॉलन ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल या फिर इसी को जर्म सेल भी बोल दो, और इसके अंदर बात को समझेंगे है ना बहुत सिंपल फॉर्म में, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कम है उसके कंपेयर में, बट दे विल डिवाइड है ना, डिवाइड एंड फर्टिलाइज, तो यही तो है जो फर्टिलाइज करेगा एग के साथ में, मेन तो यही है, मेन तो यही है। अब एक छोटा सा डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, 60% हम लोग बहुत सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं चीजों को, समझ समझ कर आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी बात याद करें, 60% जो एंजियोस्पर्म है, अब देखो मेरी बात, एक पॉलन ग्रेन के अंदर बच्चों मेरी बात को समझना, एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स हुए, कौन कौन से, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, दो सेल हुए ना, 60% जो जितने भी एंजियोस्पर्म है उसमें ऐसा ही होता है, 60% एंजियोस्पर्म कंटेन दिस, कंटेन टू सेल्ड स्टेज राइट। कंसेप्ट को समझना, मैं तुमको डबल फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा अगले आधे घंटे में, तो चीजों को तुमको और फील आएगी, ज्यादा अच्छी फील आएगी राइट, बट
बाकी बचे हुए जो हैं, बाकी 40% आप लगा लो, ऐसा लिखा नहीं है बट इसको तो समझना होगा, ऑब्वियस सी बात है। 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल्ड स्टेज, मतलब उसमें जो जर्म सेल है वो माइटोटिकली विद इन द पॉलन ग्रेन डिवाइड हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पॉलन ट्यूब के अंदर डिवाइड होते हैं, बट 40% ऐसे जर्म सेल्स होते हैं जो विद इन द पॉलन ग्रेन डिवाइड हो जाते हैं। आई होप यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, राइट? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आई होप तुम सब सारे बच्चे समझ पा रहे हो, हाँ या ना? तो 60% एंजियोस्पर्म कंटेन टू सेल्ड स्टेज वाला पॉलन ग्रेन, हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? एनसीईआरटी की छोटी छोटी सी लाइन है जो तुमको प्रॉपर तरीके से बच्चों समझनी है। अच्छा मैं दोबारा बता दूं तुमको कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। और मैं दोबारा बता दूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, राइट? क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट? वेरी सिंपल, एकदम स्मूथ है, बस सुकून से मेरे साथ समझते जाओ चीजों को। अगली बात जो समझनी है तुमको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। एक मिनट, ओके। ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें एक कीवर्ड यूज करते हैं बच्चे, वायबिलिटी, जिंदा कितनी देर तक रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पॉलन ग्रेन को जैसे ही पानी में डालोगे ये खटाक से उसमें से निकल कर आएगा पॉलन ट्यूब, बातें समझ पा रहे हैं? या जैसे स्टिग्मा पर गिरेगा भले एक साल बाद तब भी वो नीचे से पॉलन ट्यूब निकाल कर आएगा, नहीं ना? तो दिस इज कॉल्ड एज वायबिलिटी। क्या वर्ड यूज किया? वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब उसकी लाइफ, कितने दिनों तक वो पॉलन ट्यूब निकाल सकते हैं, राइट? अब इस बात को समझना। पहली बात, अगर वो लैंड पर गिरे, ये क्वेश्चन बनता है, मेरे साथ समझो चीजों। इफ दे लैंड, है ना, या यूं समझो, यूं समझ लो ऐसे कि अगर उनकी वायबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो उनकी लैंडिंग वायबिलिटी के बाद गिरती है, जैसे किसी की वायबिलिटी आधे घंटे, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं तुम्हारे लिए, है ना, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे राइस है, वीट है, इसकी वायबिलिटी एनसीईआरटी में लिखी हुई है 30 मिनट, तो आपको एज इट इज याद कर लेना है इनकी वायबिलिटी कितनी है, 30 मिनट्स बच्चों। अच्छा उसी तरह से कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जैसे लेग्यूमिनेसी, है ना, लेग्यूमिनेसी, या फिर रोजिएसी, है ना, रोजिएसी, स्पेलिंग देख लेंगे, सोलेनेसी भी इसी में आ जाएगा, सोलेनेसी। इन सब की कई महीनों तक हो जाती है, कई बार कई महीनों तक। तो बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वायबिलिटी इज बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ह्यूमिडिटी, किस पर? ह्यूमिडिटी बच्चों याद रखेंगे। और दूसरा टेम्परेचर, क्या वर्ड यूज किया? टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, बातें समझ में आ रही? दूसरा क्या? टेम्परेचर। और पहला क्या? ह्यूमिडिटी। ये दोनों ही बातें तुमको प्रॉपर याद रखनी होंगी। तो आई होप पॉलन ग्रेन के बारे में तुमको समझ में थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही होंगी। अगर मैं बोलूं पॉलन ग्रेन का कोई हम फायदा भी उठाते हैं, मान लो मेरे पास बहुत से पॉलन ग्रेन है, मैं करूं क्या? तो इसके बहुत से इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी होते हैं बच्चों, ये बहुत से इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं किसके, पॉलन ग्रेन के। जैसे देखो पॉलन ग्रेन अपने आप में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रखता है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, दे आर व्हाट, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, न्यूट्रिएंट्स हैं तो इनको एज अ टैबलेट, आप देख रहे हो ना पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में लोग लेते हैं इसको, पॉलन टैबलेट्स, ठीक है? पॉलन टैबलेट्स का काम एज अ फूड सप्लीमेंट, नहीं जो लोग दवाइयां खाते हैं ताकि एनर्जी मिले उनको, थोड़ी सी न्यूट्रिशन मिले, है ना, तो वो चीजें एज ए फूड सप्लीमेंट, राइट? एज ए व्हाट, फूड सप्लीमेंट, बातों को याद रखें। इनफैक्ट इसको एज ए सिरप या फिर टैबलेट के फॉर्म में जो रेस रेसिंग हॉर्स होते हैं उनको भी खिलाया जाता है कई बार, राइट? एज अ फूड सप्लीमेंट, राइट, फूड सप्लीमेंट, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज व्हाट,
एफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो रेस हॉर्स होते हैं, रेसिंग हॉर्स होते हैं, उनके लिए तो ज्यादा दौड़ेंगे और वो तो भाई लाखों करोड़ों के उसमें बेट लगती है कि भाई ये घोड़ा जीतेगा, ये वाला घोड़ा जीतेगा। और मान लो फूड सप्लीमेंट मैंने खिलाया 1 लाख का और जीत गया जी 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो मेरा तो फायदा हो गया, तो बिजनेस हो गया। बातें समझ पा रहा हूँ? इनफैक्ट है ना, कई कई ऐसे पॉलन ग्रेन्स हैं जिनको हम लिक्विड नाइट्रोजन, अच्छा लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? 196 डिग्री सेल्सियस, 196, इसमें भी स्टोर करते हैं, वी कैन स्टोर देम। और एक छोटी सी चीज इंटरेस्टिंग तुमको बताऊं, एक छोटी सी चीज तुमको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग। पॉलन मतलब बाहर से इंडिया के, ये देख रहे हो आप यहां पर, इस तरह का फ्लावर किसी ने देखा है? किसी बच्चे ने इस तरह का फ्लावर किसी ने देखा है? प्लांट किसी ने देखा हो? छोटा सा ही दिख रहा है बट फिर भी किसी ने देखा हो। इसको पार्थेनियम बोलते हैं। ये बाहर से जो ये है वीट वगैरह आ रही थी, उसी के साथ में पार्थेनियम भी आ गया और इंडिया में ऐसा फैला, ऐसा फैला। तो कई बार इस बात को समझना है, पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पार्थेनियम के जो व्हाट पॉलन ग्रेन होते हैं, बच्चों बात को याद रखेंगे, पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, दे कैन कॉज एलर्जी, राइट, दे कैन कॉज व्हाट एलर्जी। और उस एलर्जी की वजह से कौन सा, हे फीवर, दिस विल कॉज व्हाट, हे फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को याद रखेंगे। अस्थमा वगैरह हो सकते हैं लोगों को, अस्थमा हो सकते हैं, तो मल्टीपल चीजें हैं जो ये पॉलन ग्रेन दिक्कत भी करते हैं, इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो आई होप तुमको मेल पार्ट बिल्कुल क्लियर समझ में अभी तक आ रहा है, तो व्हाई नॉट मूव टू कुछ क्वेश्चंस, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जल्दी से मुझे बताओ, दिमाग लगाओ और फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे सामने कुछ चीजें जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब एंड टेट्रागोनल कंसिस्ट ऑफ, एक जो टिपिकल है, जल्दी से समझेंगे बच्चों, जल्दी से समझेंगे, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत सिस्टमैटिक, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूं तुम्हें और हर पॉइंट कवर कर रहा हूं, तो ट्राई करोगे इसको सिस्टमैटिक याद करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 और 4 और 1, राइट, जल्दी से बताएंगे। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल कंसिस्ट ऑफ, यस आंसर विल बी व्हाट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, सबको पता है ना, वो थीका, माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक, ये कुछ कॉमन कॉमन से वर्ड मैंने तुमको बताए थे अभी के अभी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ द सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राहर्ड। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर टेट्राहर्ड जल्दी से बताओ, मजा आएगा, फील आएगी, है ना। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में अगर तुम्हें याद है ना, तो टेट्राड हमेशा कैसे बनते थे? मियोसिस से बनते थे। कैसे बनते थे? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, और वो भी यूनाइटेड थे, यूनाइटेड थे, और जब भी उन्होंने सेपरेट हो गए तो उनको हम बोलने लगे क्या, पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बोलने लगे, राइट। और मियोसिस से जो भी चीजें बनती हैं वो क्या होती हैं? हैप्लॉइड। बातें समझ पा रहे? मियोसिस से जो भी चीजें बनती हैं वो क्या होती है बच्चों? हैप्लॉइड, वेरी सिंपल, बहुत आसान। एक और क्वेश्चन का आंसर दे रहा, इंडिया में मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी कौन कॉज करता है? जल्दी से बताएंगे, मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ते पढ़ते बीच बीच में क्वेश्चंस करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है कि हाँ जी मैंने इस चीज को अच्छे, और प्लस रिटेंशन लेवल बढ़ता है, राइट, बताओ, दिमाग लगाओ, वंडरफुल, है ना, काफी बच्चों के आंसर्स आने लगे। तो इट इज ऑफ कोर्स पार्थेनियम, है ना, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? कैरेट ग्रास, वेरी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेट ग्रास, बहुत ही इजी है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, दिमाग लगाएंगे, एंटाइन इज मेड अप ऑफ, एंटाइन इज मेड अप ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्पोरोपोलिनिन या फिर पैक्टिन सेलुलोज या फिर सिलिका और सेलुलोज या फिर ऑनली सेलुलोज, राइट, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, दिमाग लगाएंगे एक बार फिर से। एंटाइन इज मेड अप ऑफ कोर्स पैक्टिन एंड सेलुलोज, ये वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए। इट इज इनर वॉल, क्या वर्ड यूज किया? इनर वॉल, बहुत सिंपल, बहुत आसान, राइट, डन। चलो
राइस और वीट की बात कर रहे हैं ना, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन के साथ में लिखा करो, ऐसे मत लिखा करो वन या टू, तो किसका टू, फर्स्ट का टू या सेकंड का टू या थर्ड का टू, लाइक दैट प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखो। फाइव का टू या थ्री या फोर या फाइव, क्या 30 घंटे, कुछ महीने, 30 मिनट या फिर 30 सेकेंड? बच्चों जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सब जंप करें। ओके, तो इट विल बी व्हाट, 30 मिनट्स, परफेक्ट, बहुत अच्छे। तो चलो गाइनोशियम पर जंप करते हैं, एंड बिफोर स्टार्टिंग गाइनोशियम एक बात को समझना बहुत सिंपल फॉर्म में, कि गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बच्चों एक बात याद रखेंगे सारे, गाइनोशियम इज व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इस बात को अगर समझना, गाइनोशियम के अंदर एक पिस्टल है, कलेक्टिवली पिस्टल बोलते हैं, तो इट कंटेन सिंगल पिस्टल। अगर एक पिस्टल है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, तो पिस्टल एंड कार्पल बोथ आर सेम थिंग, ऐसे समझ लो। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, मोनोकार्पिलरी, मोनो मतलब एक, कार्पल मतलब पिस्टल, पिस्टल मतलब गायनोशियम जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मोनोकार्पिलरी। या अगर मोर देन वन है, और व्हाट मोर देन वन है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी। क्या वर्ड यूज किया, मल्टी कार्पेलरी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, मोनोकार्पलरी एंड मल्टी कार्पलरी, वेरी सिंपल। अच्छा इस बात को समझना, बगल में जो डायग्राम है उसमें दो तीन कीवर्ड है, पहला मल्टी कार्पलरी मतलब मोर देन वन कार्पल, बट साथ में एक वर्ड है सिंग कार्पस, और यहां पर वर्ड है क्या, एपोकार्पस। व्हाट इज सिंग कार्पस एंड एपोकार्पस, बात को समझना। जितने भी ओवरी, ये जो आपके पिस्टल हैं वो आपस में अगर फ्यूज्ड है, मेरी बात को समझना, बात को बहुत सिंपल फॉर्म में समझना, पिस्टल या तो फ्यूज्ड है ना, बात को समझेंगे, पिस्टल्स आर फ्यूज्ड या पिस्टल फ्री है ज्यादा, मल्टी कार्पलरी के एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं, मल्टी कार्पलरी के एग्जाम्पल की बात, तो पिस्टल्स फ्री। तो बच्चों अगर पिस्टल फ्री है या फ्यूज है, इसके बेसिस पर सिंग कार्पस, अगर ये फ्यूज है, क्या वर्ड किया, सिंग कार्पस, कीवर्ड पर सारा फोकस है, कीवर्ड पर सारा फोकस है। और एपोकार्पस अगर वो फ्यूज्ड है, सारी ओवरीज है तो वो मोर देन वन, तो उसको मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। लेकिन मल्टी कार्पलरी में भी सारे पिस्टल फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, तो यहां क्या बोलते हैं, फ्री। आई होप मेरे जस्ट पीछे छिप रहा है, बट तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मेरी बात समझ गए। तो पिस्टल के फॉर्म में इसको, आपको कंसेप्ट को समझना, समझ में आना चाहिए। अगली बात, एक गाइनोशियम की बात थोड़ी सी और डिटेल में करें। यहां पर देखो एक फ्लावर पे दिया हुआ है, तो ईच पिस्टल हैव, है ना, थ्री पार्ट्स, पिस्टल हैव थ्री पार्ट्स, बच्चों बहुत क्लियर फॉर्म, ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स, कौन कौन से, स्टिग्मा है ना, दूसरा स्टाइल, मैंने ऑलरेडी बता रखा है स्टाइल, राइट, एक मिनट, स्टिग्मा साथ में व्हाट, ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, हाँ स्टाइल और ओवरी। अब सबको तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट कभी कोई पूछ ले कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, तो यू हैव टू राइट दिस नेम, या यू हैव टू टिक दिस नेम, इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। डेफिनेशन याद करनी इंपॉर्टेंट होती है, समझ में तो सब कुछ आता है बट उसको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पाते, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म, राइट, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ना फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, राइट, इजी है, सिंपल है, आसान है। स्टाइल तुमको पता ही है, दिस कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, और ओवरी बल्ज आउट पार्ट है ना, बल्ज आउट पार्ट है, बातों को समझेंगे। अच्छा साथ में समझना, एक छोटा सा कंसेप्ट तुमको समझाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा कंसेप्ट। एक ये देखो ओवरी, इमेजिन कर लो ये एक ओवरी है बच्चों, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना,
इमेजिन हो गया। अब इस बात को भी समझना, इस ओवरी से एक फ्यूनिकल के फॉर्म में निकला, राइट। और ये वाला डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो समझा रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअली समझना, कंसेप्चुअली समझना। तो जहां से अटैच है दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, प्लेसेंटा। दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, प्लेसेंटा, ठीक, फ्यूनिकल। और यहां पर दो एरियाज हैं, इनको बोलते हैं क्या, आउटर इंटैगमेंट, और इसको क्या बोला, इनर इंटैगमेंट। आउटर इंटैगमेंट और वर्ड क्या यूज किया, इनर इंटैगमेंट। वेरी सिंपल, बहुत आसान। साथ साथ में एक मेरी बात को समझना, इसके अंदर का जो पूरा एरिया है बच्चे, मेरी बात को समझेंगे, ओवरी के अंदर जो एरिया, ये खाली जगह बची, इसको क्या बोला, ओवेरियन कैविटी। ये कीवर्ड समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे, ओवेरियन कैविटी, राइट। और ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम होता है बच्चों लॉक्यूल। क्या वर्ड यूज किया, लॉक्यूल। अच्छा इस बात को समझना, लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा के साथ में ये जो पूरा एरिया है इसको बोल रहे हैं ओव्यूल, है ना, इस पूरे। अच्छा होता क्या है कि यहां पर बहुत से सेल्स होते हैं बच्चों, यहां पर बहुत से सेल्स होते हैं। प्लीज मेरी बात को सारे समझो, ध्यान से समझो, ये कंसेप्ट पहले नहीं से पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो इसको और कंफर्म कर लो, ठीक है। यहां पर बहुत से सेल्स होते हैं, मेरी बात दिख रही है तुमको, ऐसे 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 सेल्स होते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। क्या वर्ड यूज किया बच्चों, न्यूसिलस, नॉट न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूसिलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इस बात को समझना, जो भी बच्चे जानते हैं वंडरफुल, जो नहीं जानते हो ध्यान से समझो। इस न्यूसिलस के जो भी सेल्स होते हैं, मेरी बात को समझेंगे, इस न्यूसिलस के जो भी सेल्स होते हैं वो सारे, जो एक सेल है, कोई जरूरी नहीं कि वो सेंटर सेल हो, कोई भी हो सकता है, वो एक सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे सेल्स की न्यूट्रिशन को एक सेल एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बड़ा हो जाता है, वो काफी व्हाट, बड़ा हो जाता है, बातों को समझे, काफी बड़ा हो जाता है, राइट। अच्छा वो बड़ा हो गया, उसी को बच्चों बोलते हैं क्या, ओव्यूल, ओव्यूल, हाँ जी, उसी का वर्ड क्या हो गया, उसी का नाम है ओव्यूल, और उसी का दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजिया, जैसे वहां पर बात हुई थी माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, जैसे मेगास्पोर का मतलब है जो एग है उसकी बात करो, तो वैसे इसका नाम क्या है, मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर बनता है मेगास्पोरेंजिया, या स्पोरेंजियम आप बोल सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आप समझ पा रहे, न्यूसिलस के सारे सेल्स सेंट्रल सेल या किसी एक सेल को सारा न्यूट्रिशन देंगे, बाकी सारे डिजनरेट हो गए, यूटिलाइज हो गए, और ये सब कुछ चीजें किसके अंदर जा रही है, मेरी बात को समझेंगे, ये इंटैगमेंट के अंदर। इंटैगमेंट की दो लेयर है, किसी किसी में तीन होती है, वो हम नहीं पढ़ते, हमारा सिलेबस नहीं है, और कैसे कनेक्टेड है वो भी आपको पता है। इसी के जंक्शन पार्ट को हम रैफे भी बोलते हैं, वो भी आपको याद रखना हो तो आप कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रैफे। आई होप समझ में आ रही है। तो ये जो बीच का पार्ट है ओव्यूल, बात को समझना, इस ओव्यूल में जैसे एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है, इस बात को समझेंगे, ये कंसेप्ट समझ गए। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, और एक न्यूक्लियस से बनेगा दो, दो न्यूक्लियस से बनेंगे चार, और फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो फाइनली बन जाएंगे बच्चों आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से जो दो न्यूक्लियस है वो सेंटर में चले जाएंगे, तीन न्यूक्लियस यहां पर रह जाएंगे, और तीन न्यूक्लियस यहां पर रह जाएंगे। जो सेंट्रल है उसको बोलते हैं पोलर, ये जो यहां पर है ना, ध्यान से समझना, जो सेंट्रल वाले हैं, है ना, जैसे यहां वाले को क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियस, ध्यान से समझना, सॉरी, एंटीपोडल सेल, वर्ड क्या यूज किया, आओ भाई, हाँ यस, दिस इज नोन एज व्हाट, एंटीपोडल सेल, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में याद, बिल्कुल क्लियर फॉर्म, यहां वाले को क्या बोला, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बट सेंटर वाले में नहीं होता, तो इसका नाम क्या है,
पोलर न्यूक्लियाई, बच्चों याद रखेंगे पोलर न्यूक्लियाई, प्लीज मेरे इस डायग्राम को जरूर से जरूर याद कर लो, बहुत रफ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, यहां पर जो किनारे वाले होते हैं उनको दो को तो क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिड, सबको पता है, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं एग। और आपको क्या पता है एग और सिनर्जिड्स, दो जो सिनर्जिड्स हैं इनको कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, एग एपरेटस। बातें समझ में आ रही, जिधर साइड में एग है उस साइड में जो है इंटैगमेंट है नहीं, तो इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड राइट। और जिधर ये इंटैगमेंट से कवर्ड है इसको बोलते हैं चलाजल एंड, क्या वर्ड यूज किया, चलाजा, चलाजल एंड। आई होप तुमको ये सारा जो डायग्राम गंदा सा दिख रहा है, पता नहीं गंदा है सब अच्छा है, आई डोंट नो, बट आई होप तुमको समझ में आ रहा है इस डायग्राम से जो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए एक पूरे ओवरी के अंदर क्या क्या होते हैं। यस और नो, जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताओ जो सच में पढ़ रहे हैं, है ना, जो सच में पढ़ रहे हैं। बच्चों तुमको क्या समझ में आ रहा है, इंटैगमेंट साइड एग सेल विद सिनर्जिड्स, अब पता नहीं था, क्या तुमको ये बातें समझ में आ रही है बच्चों, जल्दी से बताओ। यस, चलो काफी बच्चे, गरिमा है ओके, और राशि है ना, हर्षानी है ओके, मन ओके, प्रणव है, और तो काफी बच्चे हैं, चलो वंडरफुल। तो पॉसिबिलिटीज तुमको अगर इतनी समझ में आ रही है तो लेट्स मूव टू दैट स्लाइड, है ना, जहां पर हम लोग थे। एक छोटी सी बात लिखूंगा, एक ओवरी में ओनली वन ओव्यूल हो, ओनली वन ओव्यूल हो, ऐसे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वीट, है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पैडी, है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, मैंगो में तो देखा होगा तुमने, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है ना, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, और अगर एक ओवरी में, ये तो पहला एग्जाम्पल होगा, दूसरा मेनी ओव्यूल्स हो, मेनी ओव्यूल्स, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा मिनी ओव्यूल्स हो तो बच्चे क्या होगा, एग्जाम्पल में पपाया, तुमने देखा होगा ना ढेर सारे उसमें सीड्स के फॉर्म में ऐसी चीजें निकलती हैं, क्योंकि ओव्यूल ही कल को सीड वगैरह बनाएंगे ना, और ओवरी फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाते हैं। तो मिनी ओव्यूल जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। तो बच्चों प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली वन ओव्यूल, बात समझ पा रहे, किस ओवरी में, तो एग्जाम्पल आपको याद रखें, या ऑर्किड हैव मेनी ओव्यूल या फिर सिंगल ओव्यूल, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे ना, बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, ऐसी चीजें आपसे पूछ लेंगे। तो फ्यूनिकल, हाइलम, ये सब चीजें तुमको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में चीजें समझ में आ रही हैं, ये चीजें तुमको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में समझ में आ रही है, राइट, हाँ या ना, हाँ या ना। तो कहानियां समझ में आई अभी तक, चलो भाई जब ये कहानियां तुमको समझ में आ गई तो ये जो पूरा पार्ट है ना, इस बात को समझ जाए, अब अगर आप समझ पा रहे हो तो इसकी वजह से, मेरी बात को समझना सारे बच्चे, ये देखो पूरा का पूरा डायग्राम है ना, जिसमें हाइलम है, मैंने बता दिया आपको, फ्यूनिकल है, बस ये उल्टा बना हुआ, जैसे मैंने ऐसे बनाया था ये उल्टा बना हुआ, राइट, फ्यूनिकल, माइक्रो, ये पोल और इंटैगमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियल सैक, मैंने सब बता दिया, ठीक है, हाँ जहां पर वो चीजें नहीं ओपन है उसको माइक्रोपाइलर एंड पोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में, इन लैंग्वेज से डरेंगे नहीं। कैसे ये बने, जो प्रोसेस पूरा समझाया मैंने क्विक फॉर्म में बताया, उनको बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। तो इनसे डरना नहीं है, इन वर्ड्स से बच्चों डरना बिल्कुल भी नहीं है, अरे सर ये क्या हो गया, ये कैसा सा वर्ड आ गया, समझ पा रहे हो मेरी बातें सारे बच्चे, समझ पा रहे हो, यस और नो, ठीक। तो जब भी कभी तुमसे वर्ड पूछ लें, मेगा स्पोरेंजियम, रेंजियम, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, सीधी सी बात, ओव्यूल, इसका मतलब क्या है, सीधा सा ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, कहानियां याद रखेंगे। कभी भी फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर लें, फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर लें, गैमेटोफाइट की बात कर लें, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, एम्ब्रियो सैक, क्या, एम्ब्रियो सैक, वेरी इंपॉर्टेंट, और एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं क्या,
बात को समझना, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे ये कहानी अगर तुम समझ पा रहे हो तो। एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं कितने, ध्यान से समझना, कितने सेल्स हैं इसमें। तो न्यूक्लियस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल बच्चों कितने, 8 न्यूक्लियस हैं। बट आपको एक चीज बहुत क्लियर फॉर्म में पता है कि सेल्स कितने हैं, ऊपर वाले एंटीपोडल सेल्स, नीचे वाले मतलब तीन एंटीपोडल, तीन सिनर्जिड्स, जो नीचे सिनर्जिड्स कह रहा हूं, दो सिनर्जिड्स और एक एग, तो वहां पर भी वो तीन हो गए, तो तीन और तीन छह। और बीच के जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, दे विल फ्यूज एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट, या है ना, तो उसको उसको भी एक सेल काउंट करें तो 7 सेल बन जाते हैं। तो बीच वाले आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड बन जाते हैं, और ऊपर वाले हैप्लॉइड, हैप्लॉइड फॉर्म में, तीन सेल्स ऊपर, तीन सेल नीचे और बीच का एक सेल। दिस सिचुएशन इज नोन एज वॉट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, 8 न्यूक्लियाई स्टेज। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या, एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ अ मेच्योर एम्ब्रियो सैक। मेच्योर एम्ब्रियो सैक का मतलब उसमें 7 सेल दिखाने होंगे तुमको और 8 न्यूक्लियस दिखाने होंगे, राइट। तो ये एंटीपोडल हो गए तीन, पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में यहां पर ये एक बन गया, हालांकि न्यूक्लियस तो दो है, न्यूक्लियस दो है और सेल कितने हैं, एक। एग अपरेटस इसको कलेक्टिवली बोला, ये एक है एग और सिनर्जिड्स हैं दो, और टोटल कितने हो गए, 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लियाई हो गए। आई होप तुमको समझ में आ रही बात। एक छोटा सा कीवर्ड है बच्चों यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम समझ पा रहे हो, राइट, फिलीफॉर्म अपरेटस। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपरेटस। सिनर्जिड्स कल को डीजेनरेट होकर फिलीफॉर्म अपरेटस बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनर्जिड्स कल को डीजेनरेट होकर क्या बनाता है, फिलीफॉर्म अपरेटस बनाता है, बातों को समझेंगे। और फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ही वो जो पॉलन ट्यूब होती है वो अंदर जाती है, तो इसके थ्रू क्या जाएगा, पॉलन ट्यूब एंटर करती है अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी तक की बातें सारी, सारे बच्चों को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझ में आ रही है, तो बस यही तो सिस्टम है। अब इसको चाहे सीधा बनाओ, चाहे टेढ़ा बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, बात तो वही रहेगी ना बच्चों, बात तो वही रहेगी। तो ये जो देखो फॉर्मेशन के फॉर्म में एक प्रॉपर गंदा सा डायग्राम है जो आपको समझ में कम आ सकता है, बट है वही चीज जो बच्चों को मैंने अभी समझाया, ये वाला डायग्राम। दस ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया होगा उसका काम बन जाएगा, राइट, बिल्कुल क्लियर। चलो भाई तो पॉलिनेशन पर जंप करें बिल्कुल क्लियर सिंपल फॉर्म में। एंड यस, बिफोर दैट थोड़े से क्वेश्चन का आंसर तो देना बनता है। चलो बताओ इसका आंसर मुझे, पहले इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, है ना। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, अभी अभी बात हुई, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, राइट, एम्ब्रियो सैक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं, राइट, तो वन में क्या, 7 सेल्ड स्टेज, बिल्कुल ठीक। न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस, कितना आसान है। अगली बात करें, एग एपरेटस किसको बोलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। एग एपरेटस एग्जैक्टली बोलते किसमें बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो एग एपरेटस हमेशा याद रखेंगे एक सेल को, एक एग सेल को और दो सिनर्जिड्स के फॉर्म में यहां पर बात करते हैं। आंसर विल बी व्हाट, बिल्कुल क्लियर। तो सेकंड का आंसर सारे बच्चों का आ गया, थर्ड, वंडरफुल। एक और क्वेश्चन बता ही दो, ये बता दोगे तो मुझे फील आ जाएगी कि हाँ बच्चों ने खूब अच्छे से समझाया है मेरे कंसेप्ट को। आई एम गिविंग यू लाइक 30 सेकंड्स, जैसे नहीं हम लोग स्पेशल क्लासेस में करते हैं डेली मॉर्निंग में, जैसे मेरी 8:30 की क्लास होती है डेली बेसिस पर, शाम को 6 बजे की क्लास होती है डेली बेसिस पर, राइट। बहुत अच्छे वीना बेटा, बहुत अच्छे। जल्दी बताओ, एक एग सेल है एंजियोस्पर्मिक ऑफकोर्स, उसके पास क्या है, 20 क्रोमोसोम्स, किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, राइट। लीव सेल, मेगास्पोर मदर सेल और सिनर्जिड्स के पास क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो तुमको आंसर क्या देना है, प्रॉपर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 डैश करके, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, परफेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, इस बात को समझेंगे सारे बच्चे। तो चेतना है, आदर्श है, काफी बच्चे हैं जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बच्चों इस बात को समझेंगे।
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज वॉट ट्रिप्लॉइड, इट इज 3N. 3N का मतलब 20 + 20 + 20, दो तो पोलर न्यूक्लियाई और एक जो उधर से जर्म सेल आया, इट विल बी 60. अच्छा ये और ये तो कट जाएगा बिल्कुल. अब मेरी बात को समझना, मेगा ये लीफ सेल जो है वो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड क्या होता है, हमेशा 40 होता है. उसी तरह मेगा स्पोर मदर सेल भी क्या होते हैं बच्चों, डिप्लॉइड होते हैं, है ना, ये ट्रिप्लॉइड होता है. और सिनर्जिड्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. तो ये 40 40 और 20 आंसर विल बी देयर. तो 60 40 40 20, आपको लिस्ट याद रखनी है कि कौन हैप्लॉइड है और कौन डिप्लॉइड. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो बच्चों, बिल्कुल क्लियर. चलो जी एक क्वेश्चन का आंसर दे ही देना, अभी अभी बताया था, फील आ जाएगी मुझे फिर से कि हाँ जी बच्चे हमारे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, मैं दोबारा बता रहा हूं, टाइम देखकर कोई भी नहीं पढ़ेगा, जिसको भी पढ़ना है ईमानदारी से चैप्टर के कंप्लीशन तक पढ़ेगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, राइट. ये कर सकते हो कि कुछ हल्का फुल्का खाते पीते रह सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. मेरे पास तो ये बहुत है ना, मेरे पास ये बहुत है ना, तुम भी ऐसा कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू. जल्दी से बताएंगे. तो यस आंसर विल बी व्हाट, फिलीफॉर्म एपरेटस के फॉर्म में हमारे पास सिनर्जिड्स की बात कर रहे हैं, और फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ही पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं, पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं, याद रखेंगे, फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, राइट. चलो जी तो कहानियां हम करते हैं पॉलिनेशन की, किसकी बच्चों, पॉलिनेशन की. और पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सिर्फ ट्रांसफर हो जाना, अंदर पॉलन ट्यूब बना या नहीं बना इससे मतलब नहीं. पहला काम, सिर्फ एक काम दिया गया है, यहां से यहां तक ट्रांसफर कर दो. अब उस ट्रांसफर करने के मेथड क्या है, ट्रांसफर करने के मेथड क्या है बच्चों, दैट मे बी इंसेक्ट, दैट मे बी वॉटर, दैट मे बी एयर, दैट मे बी बैट, दैट मे बी स्नेक, एनीथिंग. बात समझ पा रहे हो, इसको हमको समझना है. तो इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहानियां क्लियर. अब इस कंसेप्ट को समझना पहले मेरे फ्लो चार्ट से, जो मैं अपने फ्लो चार्ट बनाता हूं, है ना, इस कंसेप्ट को सिंपल फॉर्म में समझना. सिंपल, पॉलिनेशन, क्या वर्ड यूज किया, पॉलिनेशन, बहुत अच्छा सिस्टम. पॉलिनेशन बच्चों तीन तरह के होते हैं, सबको पता होना चाहिए. कंसेप्ट समझ गए तो बाकी अपने आप समझ जाओ. एक का नाम है ऑटोगैमी, राइट. एक का नाम क्या है, ऑटोगैमी. दूसरे का नाम क्या है, गेटोनोगैमी. क्या वर्ड यूज किया, गेटोनोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरे का नाम क्या हो गया, जीनोगैमी. क्या वर्ड यूज किया, जीनोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोगैमी का मतलब लिख लो, सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है. क्या वर्ड यूज किया, सेम फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही प्लांट के उसी फ्लावर में, इधर से निकला इसी में चला गया, दूसरा फ्लावर भी नहीं. यहां पर क्या, सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर. अच्छा जी, यहां पर प्लांट तो जो है, यहां पर प्लांट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट प्लांट. जैसे अभी तक प्लांट सेम चल रहा था, बट होने चाहिए सेम स्पीसीज के, लाइक रोज और एक 10 मीटर बाद एक दूसरा रोज है, एक गार्डन है ना, तो सेम स्पीसीज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तीनों में बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट. जो ऑटोगैमी है, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर जब ये काम हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, ऑटोगैमी, राइट, बिल्कुल सिंपल. उसी तरह से गेटोनोगैमी की बात करें, प्लांट सेम है लेकिन भाई मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, सपोज इधर से निकला और क्रैप इधर से पॉलिनेट कर गया, लेकिन फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट तो सेम है. अब एक यूनिक चीज तुमको बता रहा हूं जो आपका कंसेप्ट और क्लियर करेगा, है ना, बात को समझेंगे. ऑटोगैमी इज जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली इज सेल्फ पॉलिनेशन, राइट. जीन वाइज भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम टाइप के जीन एक ही प्लांट में होंगे, यस. और
इकोलॉजिकली, मतलब वो गया तो था क्रॉस करने के लिए, हो गया वो सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज व्हाट जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन. अब इस बात को समझना, गेटोनोगैमी क्या है बच्चे, ध्यान से समझे. मैं कलर थोड़ा चेंज करूं एक बार. गेटोनोगैमी क्या है? जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली गया था और खुद में नहीं पॉलिनेट हुआ, दूसरे में हुआ, वो भले से इम्प्लांट का. इकोलॉजिकली इज क्रॉस पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन. बातें समझ पा रहे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसी तरह जीनोगैमी, इट इज जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे पीछे छिप जाएगा बट तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा. क्रॉस पॉलिनेशन राइट, बहुत सिंपल. एलेक्सा स्टॉप. अच्छा, तो ये बातें आपको समझ में आ रही, इकोलॉजिकली भी क्या है क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन, दैट्स इट. अब इसको कंसेप्ट को समझो, तो हमारे पास, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन कौन है? ऑटोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन है बट वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरह वर्क कर रहा है. तो ए बी और सी, बातें समझ पा रहे हैं? ए बी और सी, क्लियर. अब ऑटोगैमी आपको मैंने वैसे तो बता ही दिया है ना, ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं ऑटोगैमी. अब ऑटोगैमी के बेसिस पर बच्चों एक छोटी सी बात दे रखी है ना, ऑटोगैमी के फॉर्म में जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट. वायोला प्लांट जो है, जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, या ऑक्सेलिस है या कॉमेलिना है, इनके अंदर दो तरह के वो होते हैं ना, एक कैस्मोगैमस है ना, एक क्या, कैस्मोगैमस और एक क्लीस्टोगैमस. मेरी बात को समझना, कैस्मोगैमस क्या है, बात को समझना, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, खुले हुए, खुले हुए भाई, जैसे चाइना रोज है. चाइना रोज क्या है, उनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है. स्टिग्मा एक्सपोज्ड है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. तो क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है बच्चे. बातें समझ में आ रही? नेक्स्ट, अब इसमें जब समझना है सिंपल फॉर्म में, तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर क्या है? क्लीस्टोगैमस देख रहे हैं यहां नीचे वाला, और ये ए और बी करके आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ए क्या है बी क्या है, और ये लेबलिंग हटाती. तो क्लीस्टोगैमस, और क्लीस्टोगैमस मतलब दे आर नॉट ओपन, नॉट ओपन. इसका मतलब इसमें हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, हमेशा ही क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन है ना. अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन से एक प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज दी लिमिटेशन या फिर प्रॉब्लम विथ सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज, दैट विल कॉज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वर्ड यूज करें, दैट विल कॉज व्हाट, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट को समझना. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, बातों को समझेंगे. बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की होने की वजह से ये प्लांट में इनफर्टिलिटी आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ, ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कंसेप्चुअली याद रखना हो, तुमको कंसेप्चुअली इस चीज को याद रखना होगा. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. राइट, डन डन डन. अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं. तो ये गेटोनोगैमी भी मैंने तुमको बता ही दिया है ना, और जीनोगैमी भी तुमको वैसे बता ही दिया. राइट, बिना किसी डाउट के. क्वेश्चन पूछते हैं एजेंट्स ऑफ क्या, पॉलिनेशन. तो दैट में भी एबायोटिक, जिसमें जान ना हो, लिविंग ना हो, वाटर है ना, या फिर एयर, विंड बोलते हैं. और बायोटिक में बच्चों इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, प्राइमेट्स, एबोरियल रोडेंट्स या फिर रेप्टाइल्स, मल्टीपल चीजें हैं. डायग्राम में आपको चीजें सारी ही दिख रही हैं, सारे के सारे दिख रहे हैं. अगर ये विंड से हो तो इसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बच्चों, क्या बोलेंगे, एनिमोफिली. और एक वर्ड को याद कर लो, प्लीज याद कर लो, जब भी हम एनिमोफिली की बात करेंगे, राइट, इट इज मोस्ट कॉमन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इट इज द मोस्ट कॉमन ए बायोटिक एजेंट, इट इज द व्हाट, मोस्ट कॉमन ए बायोटिक एजेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना. दूसरा है ना, दूसरा ये जो कॉर्न कॉब है,
है ना, एक तरह का यूं समझ लो विंड को ट्रैप करने के लिए, ताकि इसके अंदर पॉलिनेशन हो सके। और विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन ये जो ग्रासेस हैं इनके अंदर। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट वाइज याद रखनी होंगी, पहला नाम वो, दूसरा नाम ये, और तीसरा काम ये। उसी तरह से इस बात को और थोड़ा अच्छे से समझो कि कुछ कुछ ये जो है ना, जिसमें भी विंड पॉलिनेशन है, हमेशा जिसमें भी विंड पॉलिनेशन होगा उसके अंदर अमाउंट ज्यादा निकलेगा। क्यों? फेंक दिया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कंफर्म स्टिग्मा पर ही लैंड हो? उस पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, ताकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो कि वो पॉलन ग्रेन गिरे ही गिरे। समझ पा रहे हो? जैसे अब वो बंद है, क्लोज्ड है, तो उसमें वी डू नॉट नीड वेरी मच पॉलन ग्रेन, एक भी निकला तो उसे उसी पर गिरेगा, कंफर्म है। बट जो विंड पॉलिनेशन वाले हैं, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन टू मैक्सिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डन वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, उनको लाइट और नॉन स्टिकी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर दी मॉडिफिकेशंस एंड अडॉप्टेशन फाउंड इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। वो हल्के होंगे और चिपचिपे नहीं होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। इससे फायदा क्या होगा? उड़ सकेंगे, लार्ज होंगे, बड़े होंगे, फेदरी होंगे उनके जो स्टिग्मा है, ताकि उस पर आकर कोई चीज लैंड हो सके। तो दीज आर दी लाइक मॉडिफिकेशंस। ये क्वेश्चंस पूछते हैं तुमसे, ये तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई होप विंड पॉलिनेशन तुमको क्लियर है, समझ में आ रही बात। दीज आर दी क्वेश्चंस बार 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 तुमसे पूछे जा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, जो पढ़ाया जा रहा है इसके बाहर एक वर्ड नहीं आएगा तुम जब नीट का एग्जाम दोगे या बोर्ड का एग्जाम दोगे। बहुत से चीजें चलती रहती हैं, बट नीट और बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना, उसमें इससे बाहर नहीं आएगा। दिस इज द प्रॉमिस, राइट? दिस इज वन ऑफ द प्रॉमिस जो मैं तुमसे रेगुलरली कुछ ना कुछ नई चीजें बताता हूँ। बट इस बात को बहुत सिंपल फॉर्म में समझो। वाटर की बात कर लें, और वाटर में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको स्पेशली याद रखने पड़ेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखने होंगे, जैसे हाइड्रोफिली, पानी वाले पॉलिनेशन। बातें समझ पा रहे हैं? एंड जो है, इट इज लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉटिलेडन, तो क्वाइट रेयर। वाटर हाइड्रोफिली इज रेयर एंड लिमिटेड टू फ्यू ऑफ द लाइक जेनरा, वो भी स्पेशली मोनोकॉटिलेडन, जैसे वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। ठीक, ये तीन बार। दूसरा क्वेश्चन, जोस्टेरा का कॉमन नेम मेराइन सी ग्रास, और सी ग्रास नॉर्मली पार्थेनियम, वो जो नॉर्मली जो ग्रास है ना, उसको क्या बोला? कैरेट ग्रास, तो पार्थेनियम। वर्ड को याद रखें। एक एक तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर हो गए। दूसरी बात आपको ये भी समझनी है कि ए बायोटिक एजेंट के फॉर्म में जो वैलिसनेरिया है ना, जो वैलिसनेरिया है ना बच्चे, ये वैलिसनेरिया, इसका जो फीमेल फ्लावर है ये सरफेस पर पहुंच जाएगा। देख रहे हो? फीमेल फ्लावर दिख रहा है यहां पर, रीचेस टू सरफेस। ठीक है, स्टॉक की हेल्प से, और वाटर करंट के थ्रू दूसरी जगह का पॉलन ग्रेन बहता हुआ है ना, बहती हवा नहीं, बहता पानी सा था वो, और वो उड़ते उड़ते, मतलब उड़ते नहीं, बहते 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 कहाँ आ गया? वेलिसनेरिया के फीमेल फ्लावर पे आके फर्टिलाइज कर गया। बात समझ? पॉलिनेट कर गया, देन फर्टिलाइज कर गया। तो फीमेल फ्लावर रीचेस टू द सर्फेस है ना, एंड बाई वॉटर करंट, वॉटर करंट वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिनेशन अगर, पॉलिनेशन अगर डायग्राम में तुम चीजें देख रहे हो, पॉलिनेशन अगर, ये वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वेलिसनेरिया में हाइड्रोफिली होती है, एनिमोफिली होती है, एंटमोफिली होती है, ऐसे ऐसे फालतू के वर्ड पूछते हैं, आपको परेशान करते हैं। ये नोट्स पढ़ो, सिस्टमेटिक नोट्स बनाओ है ना, और पढ़ाई करके डन करो। ठीक है ना, ये बात समझ गए। अगली बात, सी ग्रास की बात करें तो फर्स्ट हो गया, सेकंड सी ग्रास देखो डायग्राम में दे रखा। अब सी ग्रास में जो फ्लावर होता है पानी के अंदर ही होता है, सी ग्रास, राइट? फीमेल फ्लावर इज सबमर्ज्ड टू द वॉटर, फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड टू वॉट? सबमर्ज्ड इन वॉटर ना, अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं, सबमर्ज्ड इन वॉटर। और इस बात को समझना, अंदर ही अंदर सारा सिस्टम बन जाता है, वो अंदर ही अंदर बहते हुए आ गए और पॉलिनेट कर गए विद इन दी वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के अंदर। तो पानी के अंदर क्या पॉलिनेशन,
पानी के बाहर पॉलिनेशन, ऐसे लिख लें। नोट्स इंग्लिश में बनाओ, बहुत फील आएगी, सच में याद भी ज्यादा होगा। वाटर के बाहर, लेकिन हो रहा है वाटर से, ये क्या वाटर के अंदर, वाटर के अंदर, क्या ऐसे हम याद कर सकते हैं चीजों को? यस और नो बच्चों, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर, वंडरफुल, बहुत अच्छे। अगली बात करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि एबायोटिक जो एजेंट है वाटर, अगर इसमें कोई भी चीज पॉलिनेशन करवानी है तो कौन सा एडॉप्टेशन होता है? तो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड आर नॉट वेरी कलरफुल। क्यों? बहना है किसी को, अट्रैक्ट थोड़ा करना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो अट्रैक्ट करना नहीं है। इनफैक्ट दे डू नॉट हैव नेक्टर्स एज वेल, दे डू नॉट हैव व्हाट, नेक्टर्स एज वेल, इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और जब नेक्टर और ये सब चीजें नहीं है, इनफैक्ट दे हैव म्यूसिलेज कवरिंग, म्यूसिलेज कवरिंग, म्यूसिलेज कवरिंग का मतलब वो चिपचिपी से लेयर, ताकि वो चीजों के साथ में अटैच हो पाए। तो ये बस कुछ चीजें आपको याद रखनी। तो वाटर और विंड दोनों बता दिया आपको बायोटिक और एबायोटिक के फॉर्म में, है ना। एनिमल के थ्रू जो हुआ उसमें बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर मैं इंसेक्ट के थ्रू करवा दूं तो उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। क्या वर्ड यूज किया वो बच्चों? एंटोमोफिली, ऐसे छोटे छोटे से वर्ड्स, वो दैट में बी एनी टाइप ऑफ बर्ड। कायरोफिली, कायरोप्टोफिली का मतलब बैट के थ्रू चमगादड़ लेकर जा रहा, एक फ्रूट पर गया, चिपका, पकड़ा, चूसा, खाया, दूसरे पर गया, पॉलिनेशन हो लिया। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, राइट? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट आर दी लाइक फीचर्स, है ना, फीचर्स की बात करो ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। बातों को सिंपल लैंग्वेज में समझे, बड़े होंगे तभी तो कीड़े आकर उसके अंदर घुस उसके एकदम नेक्टर वगैरह लेकर जाएंगे। छोटे होंगे तो क्या ही उस पर बैठेंगे, सेटल नहीं हो रहे तो उस पर उड़ जाएंगे वो तुरंत, उनको थोड़ा सा भी हिले डुलेगा तो। कलरफुल होंगे, है ना, कलरफुल कपड़े पहनते हो ना, क्यों पहनते हो जी? आज तो हम रेड के साथ में पिंक का मिक्सचर पहनेंगे, है ना, ऐसा कुछ, टू अट्रैक्ट दी भौरास, ऐसा कुछ है? तो यहां पर भी क्या है, कलरफुल। फ्लावर को भी ये चीज पता है कि इफ अगर वो अच्छे हैं, सुंदर हैं, है ना, इस बात को कभी देखना, जो रात में फ्लावर खिलते हैं, ध्यान से समझना, और वो खुशबू भी देते हैं, जैसे वो रात की रानी, क्या बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर कलर हट जाता है। क्यों? रात में फूलों को कलर तो दिखेगा नहीं, उनको सिर्फ किससे मतलब है, खुशबू से है। समझना मेरी बात, कितने स्मार्ट है प्लांट, है ना, कितने स्मार्ट है प्लांट। तो उनका कलर नहीं होता, वो व्हाइट कलर के होते हैं, जो रात में खिलते हैं उनका कलर व्हाइट होता है, बट फ्रेग्रेंस क्या कमाल की होती है, बगल से गुजर जाओ तो जी लगता है जी 4-5 तो ले चले, है ना, बस यही तो समझना है। तो दे अगेन हैव टू अट्रैक्ट द डिफरेंट भौरास, राइट, एंड ड्यू टू दैट उनका फ्रेग्रेंस अच्छा होगा। तो कलरफुल के साथ में क्या है, उनकी खुशबू, है ना, फ्रेग्रेंस, है ना, फ्रेग्रेंस की बात करें, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस लिख लो जैसा भी लिखना चाहो। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो दे हैव टू बी लार्ज, कलरफुल, राइट। वो बोलते हैं यार क्या मतलब सूखे सूखे से एकदम सादगी भरा जीवन, कुछ कलरफुल बनो। बातें समझ में आ रही, तो दिस इज द नीड, ताकि इंसेक्ट को लगे कि अरे वो कुछ कलरफुल है, चलो उसके पास चलते हैं, कुछ मिलेगा खाने पीने को। खुशबू बहुत अच्छी है, उनके पास पॉलन, ये जो नेक्टर्स होते हैं, दे हैव नेक्टर्स, ये वर्ड को याद रखेंगे, है ना। इनफैक्ट पॉलन ग्रेन्स एज ए फ्लोरल रिवॉर्ड वो लोग लेकर जाते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? फ्लोरल रिवॉर्ड, फ्लोरल रिवॉर्ड, फ्लोरल रिवॉर्ड का मतलब तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ दूंगा। वो आए, उन्होंने नेक्टर लिया, उसी बहाने चिपक गया क्या पॉलन ग्रेन, या चिपका कर लाए थे तो पॉलिनेट हो गया क्या पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। क्या मेरी बातें समझ पा रहे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोरल रिवॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरल रिवॉर्ड। बट अच्छा, इसका मतलब क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों? स्टिकी होने चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, सिंपल। बट एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताऊं,
कुछ ऐसे होते हैं नालायक जो जाते हैं उसका नेक्टर खा जाते हैं, चूस जाते हैं, पॉलन ग्रेन भी खा जाते हैं, बदले में पॉलिनेशन नहीं करते, उनको बोलते हैं पॉलन रॉबर्स। क्या बोला? पॉलन रॉबर्स। ठीक, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उन नालायक बच्चों की तरह जो पढ़ते तो हैं टीचर से बट उसकी कभी वीडियो नहीं लाइक करते, डिसलाइक करके अलग चले जाते हैं, खूब उठपटांग कमेंट भी डालते हैं, दे ऑल आर पॉलन रॉबर्स, है ना। और भाई पढ़ने के रिवॉर्ड में फ्लोरल रिवॉर्ड क्या जी, सबको थम्स अप करके जाना चाहिए कि हाँ जी समझ में आ गया। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। चलो जी डन। अच्छा इस बात को समझना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताऊं, एक नाम है फ्लावर का, उसका नाम क्या है? एमोर्फोफेलस। क्या? एमोर्फोफेलस। ये टॉलेस्ट फ्लावर। क्या है? टॉलेस्ट फ्लावर बच्चों, ठीक है, टॉलेस्ट फ्लावर की बात कर, बहुत सिंपल सी बात। टॉलेस्ट फ्लावर का फायदा क्या होगा? इनफैक्ट अराउंड 6 फीट, मतलब मैं अभी खड़ा हो जाऊं तो मेरे हाइट के बराबर ये तुमको दिखेगा, या मतलब जमीन से लेकर ये। और अगर इसके ऊपर किसी को रख दिया जाए तो नीचे के छोटे मोटे जो जानवर हैं उनसे तो बच जाएगा ये, तो एक तरह से सेफ साइड फॉर व्हाट, जो भी फ्लावर का जो है पॉलिनेशन है और जो भी चीजें हैं, तो इंसेक्ट को एक सेफ साइड एग को रखने में मिल जाता है कि उतने ऊपर रख दिया, समझ पा रहे हो मेरी बात, और बदले में उनको नेक्टर मिल जाता है। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी होंगी। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या? युका। युका एंड वॉट, है ना, युका जो है कभी भी प्लांट है ना, प्लांट युका जो है, जो मॉथ है, इनके बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, वो पॉलिनेशन करते हैं, मॉथ और युका का पॉलिनेशन मिल जाता है ना, इस बात को याद रखेंगे। और मॉथ अपना लार्वा उसमें रख देता है और इनको यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन इनको मिल जाते हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आप लोग इकोलॉजी वाले उसमें पार्ट में भी पढ़ोगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है चीजें, पॉलन रॉबर्स और ये सारी चीजें तुमको समझ में आ रही है। नाउ द थिंग इज इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताऊं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझाना चाहता हूं। कभी कभी प्लांट में बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, बहुत रिलैक्स मस्ती के फॉर्म में समझो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कंसेप्ट समझना, प्लांट कभी नहीं चाहता कि उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, प्लांट कभी भी नहीं चाहता कि उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, ताकि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो आउटब्रीडिंग जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। क्या वर्ड यूज करेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो दे प्रमोट आउटब्रीडिंग, प्रमोट आउटब्रीडिंग, जिसमें कौन कौन से वो मेथड है जिसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मेथड टू प्रमोट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझा रहा हूं, एनसीईआरटी और बायोलॉजी इतनी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अभी भी नहीं समझ में आया इसका मतलब तुम कंसंट्रेटेड नहीं हो, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ एक सजेशन ये है तुम सारे बच्चों के लिए, एक सजेशन ये है कि चैट ऑफ करके देखना तो ज्यादा फील आएगी, जब भी मैं बात करूं दे हैव टू प्रमोट, है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करूं। तो पहला मेथड क्या है? ऑटोगैमी। क्या वर्ड यूज किया? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, एक तो ये हो गया। तो इस बात को आपको इस सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, तो ऑटोगैमी की वजह नहीं जो है, मतलब ऑटोगैमी की वजह से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलो इसको हटाकर तुमको सीधे मुद्दे पर ले चलते हैं, है ना। ऑटोगैमी से क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ये लोग, सबसे पहला वर्ड क्या यूज करेंगे? एक मिनट आओ भाई, सबसे पहला काम क्या करेंगे ये लोग? पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो रहा है जो स्टैमन पर, और जो स्टिग्मा है, दोनों के डेवलपमेंट प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन अलग कर देंगे। ये बाद में डेवलप होगा, अभी पहले तुम डेवलप हो जाओ। तो जब ये डेवलप ही नहीं हुआ तो काहे का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा दूसरे से फर्टिलाइज करेंगे। इसको बोलते हैं क्या? अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। बातें समझ पा रहे हैं? अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, वेरी सिंपल। दूसरा, हेटरोस्टाइली। हेटरोस्टाइली का मतलब जो साइज और शेप है, पोजीशन है, एक पॉलन मतलब स्टैमन इधर है और स्टिग्मा इधर है,
अब ये फर्टिल मतलब इसमें से पॉलन ग्रेन्स भी निकलेंगे, तो इसमें तो नहीं जाएंगे ना, इसका डायरेक्शन तो इधर हो गया, तो इस बात को याद रखना, पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डिफरेंट, स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डिफरेंट, एंड स्टाइल आर डिफरेंट। आई होप तुमको मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही है। पोजिशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल आर डिफरेंट, इसको बोलते हैं हेट्रो स्टाइल। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, ध्यान से समझना। एक और है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कुछ कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो अपने पॉलन ग्रेन को कभी भी पॉलन ट्यूब नहीं बनाने की परमिशन देंगे, वो एक लेयर क्रिएट कर देते हैं अपने पॉलन ग्रेन का। हाँ, दूसरे का पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का आ जाए तो दे कैन क्रिएट पॉलन ट्यूब, वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, बट हमें नहीं पढ़ना यार, हमें सिलेक्शन लेना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, दैट्स इट, राइट। तो क्या वर्ड यूज किया, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, राइट। बात को समझना, इसमें क्या होता है, यहां पर सेल्फ पॉलन ग्रेन है ना, सेल्फ पॉलन ग्रेन कैन नॉट, है ना, क्या बोलेंगे, कैन नॉट फर्टिलाइज, ऐसे याद करो, कैन नॉट फर्टिलाइज टू सेम प्लांट, है ना, टू सेम प्लांट, वेरी सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस। इन फैक्ट कुछ कुछ तो ऐसे हैं, मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं, उनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, फ्लावर ही जब मेल होगा, फ्लावर एक फीमेल होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो वैसे ही खत्म हो गया, पक्की बात है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, है ना। तो ऐसे प्लांट जो कि मोनोशियस है ना, क्या वर्ड यूज किया, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है बच्चा, मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोनोशियस। और इसका एग्जांपल क्या है, कैस्टर, ये पूछा जाता है, मोनोशियस का एग्जांपल बताओ, मेज इसका एग्जांपल बताओ, बहुत सिंपल छोटी छोटी सी चीजें हैं। बातों को समझ पा रहे, और इससे क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन तो गया, बट इट कैन ओनली प्रिवेंट व्हाट, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड में और नीट में दोनों में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो दे कैन प्रिवेंट ओनली ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे बट गेटोनोगैमी को तो नहीं प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगैमी प्रिवेंट करेंगे बट गेटोनोगैमी, सेम प्लांट तो है, फ्लावर अलग अलग हुआ तो क्या हुआ, समझ पा रहे हैं, यस और नो। तो मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल्स, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप अगेन दिस इज क्लियर, यस। कहानियां समझ पा रहे, कहानियां समझ पा रहे। इन फैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कुछ ऐसे होते हैं, एक वर्ड होता है क्या, फिफ्थ बता रहा हूं, डायोसी। क्या, व्हाट इज डायोसी, वर्ड को याद रखें, व्हाट इज डी आई ओ ई सी वाई, डायोसी। यहां पर मेल एंड फीमेल प्लांट ही अलग अलग होते हैं, फीमेल प्लांट सेपरेट, है ना, अलग अलग, ऐसे लिख दो, अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दे प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी, वर्ड को याद रखें, एग्जाम्पल में पपाया, पपाया वर्ड को याद रखें। बातें समझ में आ रही थोड़ी 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 थोड़ी, यस और नो, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी आई होप, ठीक है ना। तो ये आपको देखो ना, ये वाला पपाया, ये मेल पपाया अलग है, फीमेल पपाया अलग है। अब इससे फायदा क्या होता है, अच्छा लोग क्या करते हैं जी, लेकर आए मार्केट से जी पपाया का सीड लेकर आ रहे हैं, जो भी सिस्टम उनको लगाया, अरे यार मेल पपाया ले आए, तो पैरेलल में फीमेल भी ले आएंगे, क्योंकि फ्रूट तो वहीं बनेगा ना भाई साहब, समझ पा रहे। ये चीजें आपको, तो हमेशा लोग जो लगाते भी हैं वो दोनों लगाते हैं एक साथ, जो उनको लगाना भी होता है उनको दोनों ही लगाते हैं वो लोग, तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखना होगा क्लियर फॉर्म में, डायोसी में। डन है, बिल्कुल क्लियर। तब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, What do you, जैसे ही पॉलन ग्रेन गया, दिस इज पॉलिनेशन फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो पाए, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। ऐसा क्या मेथड लगाएं, और ऐसा क्या होता है जब पॉलन ग्रेन जब जाता है स्टिग्मा पर, तो उसके साथ में क्या होता है, उस वर्ड को बोलते हैं बच्चों पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इस वर्ड को समझेंगे।
इसमें क्या होता है ना, जो पिस्टल है फीमेल पार्ट ये रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को, वेरी सिंपल, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करते हैं एक जो राइट टाइप है, और फिर वो पॉलन ट्यूब बनाने के लिए क्या बोलते हैं, परमिशन देते हैं, यूं समझ लो, देन पॉलन ट्यूब कैन फॉर्म, पॉलन ट्यूब ओनली कैन फॉर्म, एंड ये पूरा एक रिएक्शन है बट आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज द बेस्ट थिंग, तो उसमें आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, एंट्री ऑफ ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स और फाइनली ये सारे, तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में तीन स्टेप्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, 1, 2, 3, राइट, आपको सिस्टमैटिक समझ में आना चाहिए डायग्राम वाइज। अगर वो इनकम्पेटेबल है तो कभी वो पॉलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा, बातें समझ पा रहे हो, और वो हमेशा टू सेल्ड स्टेज में ही पड़ा रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है ना कि इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन रिमेन इन विच स्टेज, टू सेल्ड, थ्री सेल्ड, फोर सेल्ड, ऐसे करके क्वेश्चन कभी पूछ लें, यू हैव टू आंसर दिस एज वेल, है ना, यू हैव टू आंसर दिस एज वेल। बट अगर वो कंपेटेबल है तो उनको क्या करना होगा, ये फिलीफॉर्म एपरेटस देख रहे हो, यहां से अंदर घुस जाएगा, देख रहे हो फिलीफॉर्म एपरेटस, यहां से वो अंदर घुस जाएगा बच्चों, और अंदर घुसकर बाकी कहानियां डबल फर्टिलाइजेशन में आपको प्रॉपर क्लियर समझाऊंगा मैं। बट बिफोर दैट मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि हम कैसे कंफर्म करें कि जो पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों, जो पॉलिनेशन हो रहा है प्रॉपर, वो पॉलिनेशन सिंपल मेरे हिसाब से कि इस कैरेक्टर, इस प्लांट का कैरेक्टर इसमें डालना है, वो मेंडल वाला सिस्टम सबको याद है, कौन सा जो हमारे पास वो था, क्या ई मैस्कुलेशन याद है, और बैगिंग, दिस इज द मेथड जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ई मैस्कुलेशन और बैगिंग, यहां दिख रहा है ना तुमको बैगिंग, दिस इज बैगिंग है ना, और ई मैस्कुलेशन, ये दोनों क्या है, ई मैस्कुलेशन, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, और वो उधर से पॉलन ग्रेन को लेकर उसको देखो ब्रश से इन्होंने उसके ऊपर झाड़ दिया, तो उसको अपनी तरफ से अपने रिक्वायर्ड जो जो वो है ना पॉलन ग्रेन से उसको फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल रहे हैं, तो ई मैस्कुलेशन और बैगिंग इज द मेथड ऑफ वॉट दिस, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर फॉर्म में चीजें समझ में आ रही हैं, ई मैस्कुलेशन और बैगिंग, और इस बात को समझना, आपसे कोई कल को क्वेश्चन पूछ ले कि ई मैस्कुलेशन और बैगिंग किस तरह के फ्लावर में जरूरी नहीं होते, तो इन यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत बड़े बड़े शब्दों में, Not required. मेरी बात समझ पा रहे, इट इज वॉट नॉट रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बस कंसेप्ट को समझ लोगे तो काम बन जाएगा। अब तुमको जो समझाने जा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, पहले तो मुझे एमसीक्यूज बता दो, चलो, है ना, पॉलिनेशन में 2-3 क्वेश्चन बता दो सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं तुमको डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगा जो चैप्टर की जान है, जल्दी से बताएंगे, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जल्दी बताओ, दो फ्लावर हैं एक ही प्लांट पे, तो उसके बीच में जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, बहुत इजी, पॉलिनेशन इन बिटवीन टू फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, वेरी सिंपल, पॉलिनेशन इन बिटवीन टू फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, राइट, आंसर जल्दी से बताएंगे, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, चलो जी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, तो गेटोनोगैमी वर्ड यूज करें ना, क्या वर्ड यूज किया, वंडरफुल, आंसर भी गेटोनोगैमी, क्लियर, एक और क्वेश्चन का आंसर देना, वाटर हायसिंथ में जो पॉलिनेशन होता है वो कौन करता है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, इन वाटर हायसिंथ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, इन वाटर हायसिंथ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, कौन करता है, हाँ भाई वाटर करता है या इंसेक्ट करते हैं या स्नेल्स हैं या फिर बर्ड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये भी अभी भी बताया, आंसर विल बी व्हाट, इंसेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट पॉलिनेशन में रट जानी चाहिए चीज, क्लियर, डन, एक और क्वेश्चन का आंसर बताना, ये थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आई थिंक यू कैन आंसर दिस एज़, तुम इसका भी आंसर दे सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसानी से,
टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ना, जो एनिमोफिलस फ्लावर है वो किस तरह के होने चाहिए? आंसर इज व्हाट, कंपाउंड स्पाइक के फॉर्म में वो फैले होने चाहिए ताकि एनिमोफिलस के थ्रू अच्छे से पॉलिनेशन हो सके। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, स्क्वायरल अगर पॉलिनेशन करेगी तो क्या करेंगे? कल कॉम्बैट देने जा रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम, है ना? तो पॉलिनेशन बाय स्क्वायरल इज कॉल्ड एज बहुत आसान क्वेश्चन है। इट इज व्हाट, याद रखेंगे थीरोफिली ना, क्या वर्ड यूज किया, थीरोफिली, क्लियर? स्क्वायरल वो जो गिलहरी होती है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, डन। डबल फर्टिलाइजेशन की बात को बहुत सिस्टमैटिक फॉर्म में समझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज। टॉपिक क्या है मेरा, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मेरी बात को हर बच्चा बहुत सिस्टमैटिक समझेगा। अगर आज तक तुमको डबल फर्टिलाइजेशन में कभी भी दिक्कत आई हो, आज के बाद नहीं आएगी अगर ध्यान से सुनोगे। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। मान लो ये है तुम्हारा, क्या थोड़ा सा इधर इसकी तोंद निकल आई है बाहर, बट ठीक है, इट इज योर ओव, है ना, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या है, ओवरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात को समझे, ओवरी के अंदर है क्या, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है क्या, एग, बगल में सिनर्जिड्स, तीनों को कलेक्टिवली एग एपरेटस बोलते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल, है ना, एंटीपोडल सेल, ठीक है बच्चों, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, है ना, और ये क्या है, सिनर्जिड्स, राइट, इतनी बातें डन। अब जरा समझना, जब पहली बार, वो पहली बार, नहीं गाना नहीं गा रहा हूं, जब पॉलन ग्रेन गिरा, अब तुम सोचो जब हम मिले, नहीं वो नहीं, वो वाला गाना नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई का। तो वो पहली बार जब पॉलन ग्रेन यहां पर गिरा, तो आपको तो पता है पॉलन ग्रेन कैसा होता है, ऐसा, और इसके बाहर होता है क्या, यहां पर एग्जाइन, है ना, इसके बाहर क्या होता है बच्चों, एग्जाइन, बहुत सिंपल। तो पॉलन ट्यूब वाला जो है ना, कौन बनाता है, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या हो गया, राइट, ध्यान से समझना, जर्म सेल्स। तो पॉलन ट्यूब विल क्रिएट पॉलन, है ना, ये जो वेजिटेटिव सेल है, दे विल क्रिएट व्हाट, पॉलन ट्यूब। इसके अंदर क्या बनेगा, एक पॉलन ट्यूब बनेगा, थोड़ा सा गंदा बनेगा, बट हाँ आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। तो ये पूरा पॉलन ट्यूब कहां तक जाएगा, ये देखो, ऐसे फाड़ता हुआ नहीं जाएगा, वो साइड से जा रहा है, बट आपको ये चीजें समझ में आ रही, आए हो। तो पॉलन ट्यूब बन गया किसके अंदर, विद इन दिस टाइप। तो पॉलन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, पॉलन ट्यूब। तुम लोग ट्वेल्थ में, तुम लोगों ने ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट भी किया था अपने प्रैक्टिकल में, यस और नो, यस और नो, कितने बच्चों ने सच में किया था पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट, कितने बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा है? तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, राइट, एक है ना। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर बच्चों ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाओ भाई, हाँ, कौन सा लूं जल्दी से बताओ, मैं ले लेता हूं ये वाला पार्ट, या ग्रीन ज्यादा सुंदर लगेगा ना, ग्रीन, वो भी डार्क वाला, हाँ ठीक है। अब यहां पॉलन ट्यूब के थ्रू ये इसके अंदर से क्या आ गया, ये जो जर्म सेल है वो इसके अंदर आ गए, और इसके अंदर क्या हो गया, माइटोसिस, हैप्लोइड है ना ये, तो हैप्लोइड के अंदर माइटोसिस हो गया। अब हैप्लोइड के अंदर माइटोसिस हो गया तो वो दो बन गए, तो दो जर्म सेल्स हो गया ना, इसका मतलब टू जर्म सेल्स, और एक पॉलन ट्यूब वाला बन गया। अब जो पहला जर्म सेल है ना, फर्स्ट जर्म सेल बच्चों, वो जाकर जुड़ेगा किससे, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जाकर जुड़ेगा पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे, और सेकेंड जर्म सेल, सेकेंड जर्म सेल वो किससे साथ जाकर जुड़ेगा, वो जाकर जुड़ेगा एग के साथ में, ठीक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए रेज कर रहा हूं, है ना, या कहीं और लिख देते हैं इसको,
इसको रेड लेते हैं और हाँ वेट, ये तो क्या हो गए टू जर्म सेल, कैसे बने माइटोसिस से बने ये लिख दिया मैंने। जब फर्स्ट जर्म सेल पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा, अच्छा पोलर न्यूक्लियाई कितने दो, तो दो और तीन मतलब दो ये हो गए, ये आपस में फ्यूज हो गए थे प्लस इसके साथ में एक पोलर न्यूक्लियाई, ये आपस में फ्यूज हो गए, तो इसको बोलते हैं क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या वर्ड यूज किया पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, कल को यही बनाएगा अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस प्रोसेस में तीन जुड़े ना इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी ट्रिपल फ्यूजन, क्या वर्ड यूज किया ट्रिपल फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल, इस वर्ड को क्या बोला बच्चों ट्रिपल फ्यूजन, वेरी सिंपल डन, ट्रिपल फ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बात को समझना जो सेकेंड जर्म ये जो जर्म सेल है वो एग के साथ फ्यूज होंगे तो इसको क्या बोलेंगे सिंगैमी, तो दो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में और एक बार सिंगैमी के फॉर्म में, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, हा या ना, सारे बच्चों को ये बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यस और नो, ड्यू टू दी टू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिंगैमी, दो दो बार हो रहा है, एक बार सिंगैमी हो रहा है एक जर्म सेल, दूसरा जर्म सेल क्या करवा रहा है ट्रिपल फ्यूजन, तो इसका मतलब क्या इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, बच्चों यही तो है डबल फर्टिलाइजेशन, यस और नो, चलो कुछ बच्चों के आने लगे, यस संदीप है, सना है, ओके और कौन कौन बच्चा है, राइट चलो परफेक्ट, बहुत अच्छा, तो बस यही तो समझना है यहाँ, यही तो बच्चों यहाँ पर सारी चीजें समझनी है डबल फर्टिलाइजेशन में, इससे ज्यादा आपको समझना ही नहीं है। अब जरा क्वेश्चन बताना, चलो शैलेश है ना, अर्पिता है, वंडरफुल, बहुत अच्छा, अब जरा क्वेश्चन बताना, ये जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है इस एंट्री पर क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारे को एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज है तो जरूर इसका आंसर दो, जल्दी से जल्दी बताओ, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, पोरोगैमी इज द एंट्री ऑफ माइक्रोपाइलर एंड से हो जाए तो पाइलर पोरो, याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन जो हुआ वो किधर से एंट्री कर गया किसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे ओव्यूल के अंदर, तो आपको याद रखना है। अगला एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब किसकी वजह से होता है, क्वेश्चन के थ्रू आपकी थियरी बढ़ रही है बच्चे, है ना, कंसेप्ट को समझना, तो जो पॉलन ट्यूब है वो उधर कैसे पहुंच जाता है, कुछ कैसे पता है उसको कि वो एग वहीं पर है, सेकेंडरी न्यूक्लियस वहीं पर है ना, उसको बच्चों केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं कीमोट्रॉफिक, है ना, ट्रॉफिक मतलब टूवर्ड्स, टैक्टिक मतलब दे आर डिपेंडेंट बट नॉट टूवर्ड्स, राइट, तो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, क्लियर। एक और क्वेश्चन बताना, प्रिकॉशनरी मेजर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज क्या, अभी अभी किया था इसको, जल्दी बताओ, प्रिकॉशनरी मेजर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज या फिर आर, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, इट इज वॉट, जल्दी से, यस इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग बोथ, है ना, दोनों ही बातें हमने कर ली, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग बोथ, एंड यस डबल फर्टिलाइजेशन पहली बार किसने डिस्कवर की, ये तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, किसमें डेवलप की, चलो ये बता दो, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, फील आएगी, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं, है ना, तो यस आंसर विल बी व्हाट, लिलियम एंड फ्रिटिलारिया, ना वेरी इंपॉर्टेंट, लिलियम तो याद रखना ही रखना, चलो जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं, दैट्स इट, ये पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन एवरीथिंग इज डन नाउ, ये चार स्टेप हैं जो आपको टिप्स पर याद करने होंगे, टिप्स पर बच्चों याद करने होंगे, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, और ये समझ गए तो काम बन जाएगा। पहला एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, वो मैंने आपको कैसे बता भी दिया कि कैसे वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के फॉर्म में डेवलप होता है, उसके बाहर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, राइट, फिर एम्ब्रियो कैसे बना, फिर ओव्यूल सीड में कैसे,
और फिर ओवरी जो है फ्रूट में कैसे, बस यही समझना है, यहीं से कहानियां डन हो जाएंगी, राइट। चलो जी एक एक करके इसको समझते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में इस बात को आपको समझना है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म्स है ना, सेल है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दे विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सी फॉर सेल, राइट। और जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये बार बार रिपीटेड फॉर्म में डिवाइड करते हैं ना, रिपीटेड डिवीजन, और रिपीटेड डिवीजन की वजह से ये क्या बना लेंगे, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, क्या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, वर्ड क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेंगे एक। अच्छा, जैसे ही ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाते हैं, मेरी बात को समझेंगे, तो इनका मेन काम क्या होता है, दे वर्क्स एज रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल किसके लिए, जो एम्ब्रियो बना है ना उसके लिए, रिजर्व फूड मटेरियल के लिए, वर्ड को याद रखेंगे, दे वर्क्स एज व्हाट, रिजर्व फूड मटेरियल फॉर, जो यहां पर बना डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर एम्ब्रियो, जो अभी एम्ब्रियो एम्ब्रियो बना है ना, वो जो एग के साथ में फर्टिलाइज कर, वर्ड को याद रखेंगे एक। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, जो पेन है ना बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो काफी क्या बना लेता है, कई बार रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन करता है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, दे विल फॉर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब मेरी बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको कैसे रिजेंबल कर सकते हो, नारियल का पानी है ना, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पानी पानी सा होता है, दे आर एक्चुअली नॉट अ सेल, दे आर लाइक बहुत सा न्यूक्लियस, और बहुत न्यूट्रिटिव होता है, और वो न्यूट्रिशन वो एम्ब्रियो के लिए था, हम लोग पी गए, समझ गए, हम लोग उसको पी गए, बातें समझ पा रहे, ये कंसेप्ट समझ गए एक बार। अच्छा जी अगली बार, तो वो जो जो है आपका कोकोनट वाटर है ना, ये बात, ये जो आप लोग नारियल का पानी पीते हो, ये यही तो है ना, इस बात को समझना, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस, क्या थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, वर्ड को याद रखेंगे ठीक, और उनके किनारे किनारे जो ये व्हाइटिश है ना, दीज दीज आर सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, बात समझ पा रहे, सराउंडेड बाय दीज सेलुलर एंडोस्पर्म है ना, जिसको आप व्हाइट कैनल्स बोलते हो ना, बस यही है, सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें जो आपको याद रखनी। अब जैसे ही वो एंडोस्पर्म तो बन गया, बात समझ पा, एंडोस्पर्म सेल तो बन गया, बट इस जाइगोट के साथ में क्या हो, इस बच्चों जाइगोट के साथ में क्या हो, तो वो फर्दर जाइगोट देख रहे हो ना, ये वाला जाइगोट, इस जाइगोट को देखो बाहर निकाल, इस बच्चों जाइगोट को बाहर निकाल, और जाइगोट ने क्या किया, इस बात को समझना, एक वर्ड तो याद रख लेना, एम्ब्रियो हमेशा कहां पर मिलेगा आपको, एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड, एक वर्ड तो ये याद कर लो, दे डेवलप एट व्हाट, माइक्रोपाइलर एंड, हमेशा ये चीज याद रखेंगे। दूसरा, दे इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम दे डिवाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जब उसका खाना पीना बन जाएगा तभी तो वो न्यूट्रिशन, मतलब उनको जब न्यूट्रिशन मिलने लगने वाला होगा तभी तो डिवाइड करेंगे, तो दे डिवाइड है ना आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, बातें समझ पा रहे, ताकि वो जाइगोट को न्यूट्रिशन दे जा सके, बात समझ पा रहे, बातें समझ में आ रहे, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझना होगा,
और इसकी वजह से आपको ये समझना है कि एक जाइगोट होता है बच्चों, एक क्या होता है जाइगोट, क्लियर फॉर्म में एक जाइगोट है, यही जाइगोट कल को क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो, ये वाला क्या है बच्चों प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो कल को क्या बना लेगा थोड़ा सा ग्लोबुलर फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, थोड़ा सा स्वेल हो गया बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन है आई नो बट उस पर हमें बहुत फोकस नहीं करना, वी हैव टू स्टिक ऑन आवर बोर्ड, आप लैंग्वेज वाइज भी लिखोगे तो इट विल बी ओके परफेक्टली ओके, है ना। अब उसमें वो जो डिवीजन होता है उसकी वजह से क्या बनता है हार्ट शेप, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और हार्ट शेप के एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा बच्चों फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। नाउ द क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, यू हैव टू राइट, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो बनता है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, फिर वो ग्लोबुलर बनता है, फिर वो हार्ट शेप बनता है, देख रहे हो ना एग्जाम्पल, और फाइनली वो मैच्योर बनता है। अच्छा, रेडिकल एंड कॉटिलेडन क्लियरली विजिबल इन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट मैच्योर एम्ब्रियो, है ना, एंड सस्पेंसर फॉर्मेशन स्टार्ट फॉर्मिंग इन, तो आपको प्रॉपर यहां पर लिखना होगा कि सस्पेंसर तो आपको ग्लोबुलर से ही बनने लग जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे, है ना, जो समझ में आपको आने चाहिए प्रॉपर फॉर्म में, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में तुमको समझ में आएंगे, डन है ना। अब जब एम्ब्रियो बना तो इसमें देख रहे हो आप ध्यान से, दो कॉटिलेडन बन रहे जो डिवाइड करके ऐसे गया है फर्दर, पहले हार्ट शेप बना और हार्ट शेप बनने की वजह से ऐसे हार्ट शेप, तो यही कल को और डेवलप करके दो कॉटिलेडन बना देंगे बच्चों, समझ पा रहे हो। और इस दो कॉटिलेडन में आपको समझना होगा कि क्या क्या, जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में पूछते हैं इस तरह से, है ना, तो डाइकॉट एम्ब्रियो और ये मोनोकॉट एम्ब्रियो, आपको ये वर्ड याद रखना होगा सिंपल कि किसी भी डाइकॉट एम्ब्रियो में हमेशा एक क्या होता है एन एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस राइट दिख रहा है, और दो कॉटिलेडन होते हैं, कॉटिलेडन होते हैं, ये वर्ड याद रखें, बातों को समझ पा, दो कॉटिलेडन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं। अच्छा, इस बात को समझेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को आप एपिकोटाइल बोलते हो, क्या वर्ड यूज करते हो, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हो, एपिकोटाइल। यहां पर बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो व्हाई राइट, और उसका टर्मिनल पार्ट हमेशा क्या बनाता है, प्लिम्यूल, टर्मिनल पार्ट प्लिम्यूल बनाता है, प्लिम्यूल पता है ना जो स्टेम बनाएगा फ्यूचर में, उसी तरह से बिलो द कॉटिलेडन, है ना, देखो ये तो एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात है, उसी तरह कॉटिलेडन की बात करूं तो बिलो द कॉटिलेडन बात को याद रखेंगे, बिलो द कॉटिलेडन यहां पर आपको हाइपोकोटाइल मिलता है, एक सेल मिलती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल, वर्ड को मेरी बात समझ पा रहे हो, हाइपोकोटाइल वर्ड राइट। अब इस कंसेप्ट को समझना, हाइपोकोटाइल और उसका टर्मिनल पार्ट इज नोन एज व्हाट, रेडिकल, ये मेरे पीछे छिप गया आई नो बट दैट इज द टर्मिनल पार्ट, पीडीएफ में मिल जाएगा तुमको, टर्मिनल पार्ट इज नोन एज व्हाट, रेडिकल बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बस यही तो समझना है। हाँ, रेडिकल जो है, रूट जो है, अगर वो इसकी बात कर रहे हैं, रूट के रेडिकल है, रूट टिप, तो उसके टिप को बोलते हैं रूट कैप, तो उसके नीचे आपको रूट कैप भी मिल जाएगा, याद दिख रहा है ना, रेडिकल, रूट कैप और उसके ऊपर अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अगर मोनोकॉट की बात करें तो कोलियोराइजा, शूट के ऊपर की बात करें तो उसको बोलते हैं क्या, कोलियोप्टाइल, वर्ड को याद रखेंगे कोलियोप्टाइल, दैट्स इट, यही तो समझना है। तो ये चार पांच वर्ड, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले को आप क्या बोल रहे हो, एपिकोटाइल, टर्मिनल पार्ट उसी को प्लिम्यूल, जो स्टेम बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड को आपको सिंपल लैंग्वेज में याद रखना होगा, सिंपल लैंग्वेज में। उसी तरह जब मैं मोनोकॉट की बात करूं, जिसकी बात करूं, तो इसमें सिंगल कॉटिलेडन है, वन कॉटिलेडन बच्चों, इसमें सिंगल कॉटिलेडन है, और इस बात को समझना, सिंगल कॉटिलेडन ऑफ स्पेशली ग्रास फैमिली, है ना, सिंगल कॉटिलेडन ऑफ ग्रास फैमिली, स्पेशली ग्रास फैमिली, प्लीज मार्क दिस वन, ग्रास फैमिली, इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, ये देख रहा हूं,
स्क्यूटेलम, राइट। बाकी सब चीजें वही हैं। हाँ, कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा इज अनडिफरेंशिएटेड मास ओवर द शूट एपेक्स इज नोन एज कॉलियोप्टाइल, दिस और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ दिस रेडिकल इज नोन एज कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा वर्ड को याद रखेंगे सारे बच्चे, कॉलियोराइजा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? क्या मेरी बातें समझ में आ रही? और अगर जरा सा भी डाउट होगा ना, मुझे चैट बॉक्स में बता देना, अभी बता दो, चाहे कमेंट बॉक्स में बता दो कि तुमको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बच्चों एक होता है लाइव चैट, यहां पर नहीं है ना, यहां पर नहीं, जो कमेंट बॉक्स होता है, तुमको इस चैप्टर में क्या नहीं समझ में आया, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा कि उसके लिए एक प्रिसाइज सेपरेट वीडियो बना दूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा सिर्फ एक टारगेट है, तुमको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं यहां पर दूं, तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ो, सिस्टमैटिक पढ़ो। हालांकि प्लस पर मेरी क्लासेस चलती हैं, तो जिन बच्चों को एक चाहिए ना कि पर्सनलाइज स्टडी चाहिए मेरे साथ, वन टू वन टॉक कर सकें, बात कर सकें और डाउट ले सकें, वो प्लस पर आ सकते हो। वो मेरा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है ना, ये कोड ये आपको पता ही है, केटी सर वाला। बाकी अगर यहां से तुमको समझ में आ रहा है, तो मेरा सिर्फ यही टारगेट है कि तुमको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें दे पाऊं। बस कंसेप्ट को कमेंट बॉक्स में दे देना कि सर आई नीड दिस चैप्टर नेक्स्ट, है ना? तो इस तरह से मैं अपनी तरफ से ट्राई कर लूं, ठीक है, डन। तो ये आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। उसी तरह से अगर मैं सीड की बात करूं बच्चे, तो सीड में भी तो यही चीजें होती है, सीड कोट है, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल, दो कॉटिलेडन, ठीक है। और सीड की डेफिनेशन बताऊं, इट इज व्हाट, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, सीड। मेरी बात को समझना सारे बच्चे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज व्हाट, सीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि सीड एक फाइनल प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का, इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या मेरी बातें समझ पा रहे? अब सीड कोट है ना, वो एंडोडर्मिस है, एंडोस्पर्म है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकल, वही सारी बातें आपको यहां पर चीजों के फॉर्म में याद रखनी होंगी, क्लियर फॉर्म में। बट जो काम की चीज है वो क्या है, सीड होते कितने टाइप के हैं बच्चों, सीड होते कितने टाइप के हैं, समझना। तो सीड बच्चे दो तरह के होते हैं, मेरी बात को समझेंगे। सीड इज ऑफ टू टाइप, वन इज देखो मैच्योर सीड के दो टाइप सबको पता होना चाहिए, एक एल्ब्यूमिनस है ना, और एक दूसरा क्या, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एल्ब्यूमिनस। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जो एल्ब्यूमिनस है उसके अंदर दे रिटेन एंडोस्पर्म, वो जो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन है ना, वो अभी भी है उसके अंदर, दे रिटेन एंडोस्पर्म। जैसे कि एग्जांपल में वीट है ना, वीट के साथ में मेज, क्या वर्ड यूज करें, मेज, बार्ले है ना, कैस्टर, कोकोनट, तभी तो वो आप लोगों ने पेरोक्सिजोम्स का नाम सुना है, पेरोक्सिजोम्स याद है सेल चैप्टर में, कभी थोड़ा सा डीप में पढ़ा हो। ये जो पेरोक्सिजोम्स है इनका काम क्या है ना, और ग्लैक्सिजोम्स का नाम सुना हो, तो ये ऐसे सेल्स में मिलते हैं प्लांट के जिसके अंदर ये अदर कंपोनेंट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ऑयल को। तो ये जो कैस्टर है, कोकोनट है, इनके अंदर जो ऑयल है उसको कल को जरूरत पड़ने पर दे कन्वर्ट देम इनटू फूड ग्लूकोज के फॉर्म, यही तो है ये, समझ रहे हो। कोकोनट है, सनफ्लावर, जिसमें से भी तेल निकलता है, दे ऑल आर व्हाट, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस, वर्ड को याद, सनफ्लावर, कहानियां क्लियर। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब उनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचता, नो एंडोस्पर्म। फील आ रही है मेरी बात, समझ पा रहे हो? एग्जांपल में पी है, ग्राउंड नट है, या फिर बीन्स है, दैट्स इट, समझ पाए मेरी बात? तो ये कुछ एग्जांपल्स तुमसे एग्जाम में पूछेंगे और तुमको आंसर देना पड़ेगा बच्चों, तुमको आंसर प्रॉपर देना पड़ेगा, है ना, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के फॉर्म, ठीक, कहानियां क्लियर है। एक और छोटी सी चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्मिक सीड, वर्ड को याद करें, क्या वर्ड यूज किया, पेरिस्पर्मिक सीड, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसके अंदर जैसे कि न्यूसिलस, जो शुरू में बताया था मैंने, न्यूसिलस से ही तो एम्ब्रियो सैक बना था, जो ओव्यूल वाला पार्ट,
न्यूसेलस रह जाता है, न्यूसेलस रिमेन, उनको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। एक एग्जांपल में ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर, बीट है बच्चों, बीट, दो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना, ठीक। ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। अब होता क्या है कि ये सीड किस बेस पर वायबल होते हैं, कंसेप्ट को समझो। तो सीड बेसिस पर होते हैं, किस पर, बेस्ड ऑन देयर डॉर्मेंसी, है ना। तो उनकी जो वायबिलिटी है, या चलो डॉर्मेंसी की बात करें, तो जो डॉर्मेंसी है, इस कंसेप्ट को समझना, ये भाई डिपेंड करता है कि कैसे टूटेगी। कोई ग्रो नहीं कर रहा है, उसका मतलब जर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब वो डॉर्मेंट है, उसको कैसे तोड़े। हम उनको प्रॉपर मॉइस्चर दे सकते हैं, है ना, हम उनको प्रॉपर ऑक्सीजन दे सकते हैं, प्रॉपर सुटेबल टेम्परेचर दे सकते हैं, सो दैट दे कैन जर्मिनेट, सो दैट दे कैन वॉट जर्मिनेट, कंसेप्ट को समझेंगे। बातें समझ पा रहे हो मेरी, बातें समझ पा रहे हो। तो ये कुछ चीजें जो आपको यहाँ पर सीड वगैरह के फॉर्म में है जर्मिनेशन के लिए, आपको यहाँ पर समझ में आनी सिंपल लैंग्वेज में चाहिए। अब इस बात को आपको समझना होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कुछ सीड के एडवांटेज भी होते हैं। हाँ जी, तो इस बात को समझना कि सीड जो है ना, एडॉप्टिव होता है अपने जनरेशन को रिटेन करने के लिए, एडॉप्टिव फॉर रिटेंशन ऑफ जनरेशन, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ जनरेशन एक, और उसके अंदर फूड रिजर्व भी होता है, फूड रिजर्व भी होता है, उसके अंदर फूड रिजर्व भी होता है। ये बहुत से फायदे हैं कि आप जनरेशन को रिटेन कर रहे हो इन अनफेवरेबल कंडीशन, साथ में दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो, तो एक ही जगह पर सारे प्लांट नहीं इकट्ठे हो, वो डिस्पर्स, एबिलिटी टू डिस्पर्स, एबिलिटी टू डिस्पर्स, ऐसे एग्जाम जो है एडवांटेज आपको चीजों के फॉर्म में याद रखने, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज क्या, इसका जो हार्ड सीड कोट है, हार्ड सीड कोट, ये क्या करेगा, एम्ब्रियो को प्रिवेंट करके रखेगा, एम्ब्रियो के प्रिवेंशन में काम आता है। मेरी बातें समझ पा रहे हो, एम्ब्रियो के प्रिवेंशन में काम आता है, बातों को समझेंगे। तो दीज आर द सम थिंग जो तुमको प्रॉपर यहां पर सिंपल लैंग्वेज में याद रखनी है ना। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताऊं, काम की बात, वायबिलिटी की, तुमको दो एग्जांपल्स याद करने होते हैं। एक ल्यूपिनस की बात करें, ल्यूपिनस आर्कटिकस, आर्कटिकस, ये जो ल्यूपिनस आर्कटिकस ये है ना, आर्किटेक्ट है, चलो तो ल्यूपिनस की जो मैं बात कर रहा हूं, ये ल्यूपिनस जो है आर्कटिकस, कई बार मिसस्पेल होता है, तो आर्कटिकस, तो ल्यूपिनस की जब मैं बात करूंगा स्पेशली, तो ये इनके जो सीड हैं बच्चों, वो 10,000 ईयर पुराने तक है। मेरी बात को समझ पा रहे, 10,000 ईयर पुराने तक, बातें समझ में आ रही, डन। इतने वायबिलिटी में आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि पुराने से पुराना वायबल, तो ये देख रहे हो डायग्राम, ये नीचे ल्यूपिनस का डायग्राम दे रखा है, पहली बार दिखा, इतने पुराने वायबल सीड्स भी इसके हैं। इनफैक्ट एक क्या है, डेट पाम, डेट पाम, नाम क्या है, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, नाम पता है तुमको, डेट पाम में क्या पूरा नाम क्या है, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। ये जो है बच्चों ध्यान से, ये वो किंग्स हेराल्ड पैलेस के नीचे वहां पर मिला था इन लोगों को, डेड सी के पास में, ये 2000 साल पुराना वायबल सीड है, उसके अंदर वायबिलिटी अभी भी बची हुई है। मेरी बात समझ पा रहे, ये सब वायबिलिटी की बातें करेंगे। वैसे तो वायबिलिटी वाइज मैंने बता दिया था आपको पॉलन ग्रेन और ये वो, सीड की वायबिलिटी के एग्जांपल्स अलग अलग हैं। तो ये ल्यूपिनस आर्कटिकस की बात करेंगे और डेट पाम की बात करेंगे, दोनों आपको नाम याद, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये दोनों एग्जांपल, 10,000 ईयर, 2000 ईयर, डन। आई होप क्लियर टू एवरीवन। चलो आखिरी की कुछ बातें कर लेते हैं। आपको बता दूं कि फ्रूट ही है ना, जो कहां से बनता है, इस बात को समझेंगे। तो ओवरी जो है वो किस में बन जाती है, फ्रूट में, बातें समझ पा रहे हैं। और फ्रूट में जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, फ्रूट की आउटर कवरिंग को बच्चों क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अब पेरिकार्प में भी एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प के फॉर्म में होते हैं। अब ये जो फ्रूट है बच्चों, ये दो तरह के होते हैं,
नॉर्मली जो आपके सिलेबस में है, दैट इज वन इज ड्राई फ्रूट्स, राइट, ड्राई फ्रूट्स, राइट, एक आपको याद रखना होगा, और जो ड्राई फ्रूट्स है और दूसरा फ्लैशी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें ग्राउंडनट या फिर मस्टर्ड एग्जाम्पल याद करेंगे क्या? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, राइट, और जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं, राइट, उसमें क्या? ग्वावा, ऑरेंज या फिर मैंगो, क्या याद कर सकते हैं इसको? ग्वावा, ऑरेंज, मैंगो, ये सब चीजें आपको टिप्स पर पता होंगी तो फील आएगी आप, तब ज्यादा पता हो। इनफैक्ट फ्रूट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट्स, एंड मैं एक चीज बताऊं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम चैनल है इसको जाकर अभी फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अन अकेडमी लिखेंगे एंड लिखेंगे नीट प्रो, अन अकेडमी नीट प्रो, राइट, टेलीग्राम चैनल अभी जाकर फॉलो कर लो, इसमें मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है? इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो तुम्हारे नोट्स ऑटोमेटिकली डन हो गए, तुमको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है? एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स जो प्रॉपर ओवरी से डेवलप करते हैं, डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली, और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से डेवलप नहीं होते। मेन काम क्या है? एग्जाम्पल्स, जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट की बात करें वो क्या है? ट्रू फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट प्लांट, बट जो फॉल्स फ्रूट्स हैं उसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एप्पल थैलमस से ग्रो कर गए, बात समझ पा रहे? एप्पल या फिर स्ट्रॉबेरी या फिर किसकी बात करें? कैश्यू की बात करें, किसकी बात करें? कैश्यू की बात करें, जो काजू होता है। दीज आर दी फॉल्स फ्रूट बच्चों, इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर फॉर्म में याद रखना है, सिंपल लैंग्वेज में। और बाकी आपसे एक वर्ड पूछते हैं, जैसे बनाना क्या है? पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया है ना, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना? अब ये कैसे होगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनते कैसे हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको लिखना है कैसे? हार्मोनल ट्रीटमेंट से, जैसे नहीं वो कार्बाइड वगैरह मिला देते हैं और ऐसी चीजें, जिब्रेलिक एसिड डाल दिया तो दे लाइक वो फ्रूट्स के फॉर्म में बन जाते हैं, बट दे आर सीडलेस। सीडलेस का मतलब सीड कब नहीं होंगे? जब वो पार्थेनोकार्पिक है, बात समझ पा रहे हैं? सीड है इसका मतलब वो फर्टिलाइज्ड फॉर्म में बने हुए। इस कंसेप्ट को आपको क्लियर फॉर्म में याद होना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। आखिरी के दो तीन टॉपिक्स, आप दो टॉपिक्स और समझाने हैं, वन इज एपोमिक्सिस, अगला सिर्फ 10 मिनट आपका लूंगा एंड यू विल गेट कंप्लीट चैप्टर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये आखिरी के 10 मिनट ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, है ना? बिफोर दैट थोड़े से क्वेश्चंस बता दो फिर आगे बढ़ते हैं ना, एक बार क्विक फॉर्म में जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल, एक एंडोस्पर्म है उसके अंदर बहुत सा रिजर्व फूड मटेरियल, और इस बात को समझेंगे वो न्यूट्रिशन की तरह यूज होता है कि एम्ब्रियो के अंदर, जो एम्ब्रियो किस उसमें है, वो ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड टिश्यू है, हैप्लॉइड टिश्यू है या हेक्साप्लॉइड है। वंडरफुल, सुनील का आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे चलो, तो आंसर क्या हो गया? तो वो जो एंडोस्पर्म है वो क्या है बच्चों? ट्रिप्लॉइड है बिना किसी डाउट के। गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन अभी अभी बताया, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के ऊपर वाला, अभी अभी बताया था, गलत नहीं करना, पाप लगेगा, देख गलत नहीं करना सारे कुछ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे, यस आंसर क्या हो गया जी? एपिकोटा, क्लियर, ये वर्ड आप लोगों के फॉर्म में है। चलो जी अगली, पेन डेवलप इनटू, पेन जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, वो किस में डेवलप करते हैं? थैलमस, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या फिर पेरिडर्म, जल्दी से बताएंगे क्विक फॉर्म में, जल्दी से बताएंगे बच्चों।
यस, तो आंसर विल बी एंडोस्पर्म, बिल्कुल क्लियर। एक और क्वेश्चन, पेरिस्पर्म इज फाउंड इन सीड ऑफ, किसके अंदर? अभी अभी बताया था पेरिस्पर्म, बिल्कुल गलत मत करना, है ना, तुम्हें नीट की कसम। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अभी अभी बताया था इसलिए पूछ रहा हूं, अभी अभी बताया था, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ ठीक है, अभी अभी बताया था, तो वो ब्लैक पेपर के फॉर्म में और ये सब चीजें, पेरिस्पर्मिक सीड के फॉर्म में ना, बार्ले वगैरह की बात तो नहीं करेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन, अच्छा है, सिंपल है, आसान है। इन ग्राउंड, इन ग्राम पी एंड ग्राउंडनट प्लांट, एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन लाइफ साइकिल, या फिर एम्ब्रियो डेवलप प्रोसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, या फिर मैच्योर सीड लैक एंडोस्पर्म, या नॉन एल्बिनस सीड है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ, हाँ जी बिल्कुल क्लियर, मैच्योर सीड के पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता है, दैट्स इट। चलो जी पढ़ते हैं, किसकी बात? अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलो, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज सीन इन, एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ ठीक, तो रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पर्म, मैंने बता दिया था, क्या बोला? पेरिस्पर्म। तो बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस, आपको सब कुछ पढ़ा दिया, बस दो वर्ड अब समझाने हैं, एपोमिक्सिस क्या है और एपोलियम्ब्रियोनी क्या है। इट इज प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या मेरी बात याद रखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे एग्जाम्पल में किसके अंदर? जितने भी ये लिली वाले होने, लिली कह रहा हूं, ये जो गुलदाउदी वगैरह जो होते नहीं, इसको इसको बोलते हैं एस्टेरियाज, एस्टेरियसी फैमिली, सी ए फैमिली, स्पेलिंग देख लेंगे ना। और ग्रास फैमिली में भी ऐसी चीजें मिलती हैं आपको, ग्रास फैमिली के अंदर भी होती एक, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा साथ साथ में सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें याद रखनी है, एपोमिक्टिक फॉर्म में, ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर फॉर्म में याद ही है, ठीक है, कि एपोमिक्सिस में क्या होता है कि डिप्लॉइड एग सेल, है ना, विदाउट रिडक्शनल डिवीजन बन जाते हैं ना, इन सम स्पीसीज, बात को याद रखेंगे, डिप्लॉइड एग सेल्स, एग सेल्स ही डिप्लॉइड होते हैं ना, डिप्लॉइड एग सेल्स, है ना, formed without reductional division, without what? Reductional division, division, very simple, और embryo without fertilization बन जाता है ना, embryo without fertilization, बस इस तरह की चीजें आपको याद रखनी। अच्छा इस कहानी को अगर आप समझ गए तो इसको जरा सिंपल लैंग्वेज में और समझो, है ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में और समझो, एक छोटी सी बात कंसेप्ट के फॉर्म में, ये जो एपोमिक्सिस है तो आपको समझ में आई गई बातें, है ना, कि इससे क्या होगा कि सेम तरह के प्रोजेनीज फ्यूचर में बन पाएंगे और उसके अंदर कोई इवोल्यूशन जैसा नहीं, तो आप हाई वैरायटी हो तो हाई वैरायटी को रिटेन कर सकते हो। एक और वर्ड है बेटा पॉली एम्ब्रियोनी, क्या वर्ड यूज किया? पॉली एम्ब्रियोनी, ये आज का आखिरी का वर्ड है तुम्हारे लिए, इसके बाद छोड़े एक दो क्वेश्चंस पूछूंगा और फिर आप फ्री हो, रिवाइज कर लेना इस चीज को, डन, ध्यान से समझ लो। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, जब कभी कभी किसी में मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाते हैं एक सिंगल सीड में, है ना, क्या अकरेंस ऑफ व्हाट? मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, ये भी सीड के अंदर, वो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बच्चों? पॉली एम्ब्रियोनी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पॉली एम्ब्रियोनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बस यही कंसेप्ट है पॉली एम्ब्रियोनी का, दिस इज द लास्ट वर्ड, इस कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझेंगे, है ना, जैसे कि सिट्रस है और ऐसी ऐसी चीजें आपको याद रखनी होंगी। एग्जाम्पल में लिख लें क्या? सिट्रस, ठीक है, कुछ कुछ मैंगो वेराइटीज भी हैं, कुछ कुछ मैंग्रो मैंगो वेराइटीज भी हैं,
इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों से पूछ लेते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे, राइट राइट दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सुकून से समझेंगे और एक दो क्वेश्चंस के आंसर दे दो, आई विल फील गुड कि हाँ बच्चों ने कुछ कुछ पढ़ा है। आपको काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ में हूँ, लाइक 7 to 8, 9, 10, तो मुझे लगता है अराउंड 3 आवर्स है ना, 2 घंटे 45 मिनट्स। तो ज़रा इसका आंसर देना बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज, अभी अभी हमने किया इसका आंसर, राइट, इट विल बी वॉट, बिल्कुल क्लियर, एपोमिक्सिस, कहानियां क्लियर, एपोमिक्सिस, बिल्कुल क्लियर, डन। चलो जी, उसी तरह से द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर पार्थेनोकार्पी। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, पार्थेनोकार्पी, राइट। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, मोर देन वन एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी, जल्दी से बताएंगे और ये बस आखिरी के 2-3 मिनट, जल्दी से, परफेक्ट। हाँ जी, चलो जी, तो इट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, वंडरफुल बच्चों, बहुत अच्छे बेटा, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और जो बच्चे ऐसे हैं जो सिस्टमैटिक मेरे साथ पढ़ रहे हैं और उनको मेरी ट्यूनिंग भी समझ में आ रही है कि सर समझा तो ठीक रहे हो, है ना, मैं आपके साथ पर्सनली कुछ अगर डाउट लेना चाहूँ तो कैसे डाउट लूँ, तो कम टू माई प्लस क्लास, है ना। इनफैक्ट चलो, तुम जब भी मेरी स्पेशल क्लास डेली बेसिस पर बच्चों मॉर्निंग में 8:30 होती डेली बेसिस पर और शाम को डेली 6 बजे होती, तो ये 2 क्लास तो मेरी कन्फर्म है स्पेशल क्लास, एंड दिस इज फ्री, फ्री फॉर एवरीवन, हर उस बच्चे के लिए जो अनअकैडमी का, जिसने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर रखा है, इस फ्री क्लास के लिए यू कैन यूज दिस कोड, ADSIR इज द कोड, राइट। और प्लस पर आपको इसके कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिक्वेंस, पूरा का पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ, और अनअकैडमी पर मेरा ऑलरेडी एक कोर्स चल भी रहा है, डाइवर्सिटी का भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर हूँ अभी। जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड, बट मेन थिंग इज पढ़ते रहो। मेरी स्पेशल क्लास में तो तुमको जरूर आना है, स्पेशल क्लास, फ्री स्पेशल क्लास में तुमको जरूर आना है, जरूर से जरूर आना है। 2 टाइम होता है, मॉर्निंग में 8:30 बजे और शाम को 6 बजे, 7 बजे हम लोग फिर से यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और एवरीथिंग इज पॉसिबल मीन्स एवरीथिंग इज संभव, है ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। इसकी PDF मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पर अभी भेज दे रहा हूँ, है ना। कोई ऐसा बच्चा जो चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया, उसके लिए तो है ही है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना, घंटा बजा देना ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए कभी मेरी क्लास है, किसी भी क्लास है। टेलीग्राम का चैनल क्या है, अनअकैडमी। काफ़ी लंबी क्लास चली बट आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड कि हाँ बच्चों को मैंने कुछ सिखा दिया है, है ना। तो अनअकैडमी नीट प्रो इज दी टेलीग्राम चैनल, है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं चीज़ें, तो पॉसिबिलिटीज को बनाओ, अच्छे से करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज संभव, अभी भी पॉसिबल है। और बच्चों पूरा का पूरा अगर सिस्टमैटिक पढ़ना चाहते हो तो एक प्लस बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्लस या आइकॉनिक, एनीथिंग, बट स्टिल मॉर्निंग में मिलते हैं 8:30। प्लस वाले बच्चों के लिए 7:30 मिलता हूँ मैं, है ना। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा कर पढ़ो, सिलेक्शन इस बार ले लेना, ठीक है, बाय। और बोर्ड्स भी अच्छा करो। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।